asked some questions. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, we are talking about 18th century today. So 18th century mein humare paas 18th century literature, jisko hum Augustan age bhi kehte hain, neoclassical age bhi kehte hain, age of reason bhi kehte hain, or the enlightenment bhi kehte hain, or age of Pope bhi kehte hain. So that one is missing here. So this age is also known as age of Pope. So first of all, let me go to your chat box where you're asking some questions. Yes, aapka jo mock test hoga wo MCQs form mein hoga, the way it is asked in your PPSC exam. Short history ke liye aapko material bheja hua hai na. I guess ye jo material main aapko bheja hua hai short history ke liye, this is more than enough. Iske ilawa koi aisa writer nahi hai isme jisko maine important ho aur like miss kiya ho. So agar aap isko bhi kar le, तो आपका बहुत अच्छा पोर्शन हिस्ट्री वाला अटेम्प्ट हो सकता है. सो लेट्स गो फर्दर. अब आप इसमें कोशिश कीजिएगा कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो वो कर लीजिएगा, सो दैट द पेस इज नॉट ब्रोकन. वी हैव टू गो थ्रू टू लॉन्ग एजेस. सी तकरीबन 1660 से 1780s तक ये एज है जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है. सो दैट इज अनदर नेम. सो इसके क्या क्या नाम है हमारे पास? Age of Enlightenment, Age of Sensibility, Neoclassical Age, Augustan Age, the Long 18th Century, उसके अलावा the Age of Reason, the Age of Pope, ये सारे नाम इसके. अब इस एज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल्स और रूलर्स जो थे उनके दरमियान कॉन्वर्सेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, गुफ्तगू, लेटर्स, वो जो है इस एनलाइटनमेंट का बेसिकली बायस बनी. और उसमें ये जो एज है दैट गोज और स्टैंड्स अगेंस्ट ट्रेडिशन और रिलीजियस डॉगमास और सुपरस्टिशंस, जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर थे उनके खिलाफ ये एज है. क्योंकि इसे एज ऑफ रीजन कहा जाता है, एज ऑफ लॉजिक. ये कही सुनी बातों पे यकीन ना रखने वाली एज थी. और ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन था जो डेवलप हो चुका था, जो रॉयल सोसाइटी जिसका हमने पढ़ा रेस्टोरेशन एज में, उस रॉयल सोसाइटी की फर्दर एग्जीबिशन जो है वो इसमें हमारे पास सामने आ रही है. So, इस एज में वी सी के इसमें फिलोसफर्स से जिन्होंने अपनी फिलोसफीज दी, और वो फिलोसफीज जो थी वो गवर्नमेंट के हवाले से थी, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं. इस एज की कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, सो दैट मेक्स इट यूनिक. मुख्तलिफ एजेस होती हैं जो कि जैसे एंग्लो सैक्सन एज एक प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हुई, प्रॉपर टाइम पे उसके साथ उसकी चीजें एंड हो गई. ये एज कब से शुरू हुई, कब से कब खत्म हुई, इसके बारे में कोई हमारे पास हतमी एक टाइम प्लेस नहीं है, क्योंकि ये एज के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से मौजूद थे और इस एज के बाद भी अगली एज में भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहे. दो जो रोमांटिक्स थे उन्होंने थोड़ा सा इस रीजन के अगेंस्ट जाके लिखना शुरू किया. एंड इट इज सेड के इट इज इरेशनल अबाउट रोमांटिक्स, और मेनी थिंग्स आर इरेशनल अबाउट रोमांटिक्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन रीजन. सो ये जो थी ये एज ऑफ रीजन थी. और ये इंटेलेक्चुअल्स जो 17-18 सेंचुरी में बेसिकली उसके बाद ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ऊपर चल रहे थे, और ये नाम भी इसको उन लोगों ने दिया जो कि उस एज में रह रहे थे. कई एजेस गुजरी जिनको उनके नाम बाद में दिए गए, जिस तरह रोमांटिक एज है. रोमांटिक एज को उस दौर में रहने वाले रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक एज नहीं कहते थे, ये नाम उसको बाद में दिया गया. लेकिन इस एज को इसी एज के अंदर, इसी टाइम फ्रेम के अंदर ये नाम दे दिया गया. तो बेसिकली इसका गोल्स क्या थे? सुपरस्टिशंस का मुकाबला करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, और जो जो रिलीजन था एक प्राइमरी टारगेट था. ये जो लोग इसको और ये मेरिट की बात करते थे, एनलाइटनमेंट होगी सोसाइटी में, मेरिट होगा, लोग मेरिट पे ऊपर आए. और यहाँ पे जो थिंकर्स थे ये एथियस्ट या एंटी रिलीजन नहीं थे, लेकिन बेसिकली एक सेपरेशन चाहते थे चर्च में और स्टेट में. So, इसमें जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजों को मैं डिस्कस करता जाऊंगा. सो यहाँ पे बेसिकली जो एनलाइटनमेंट था इसमें इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जो प्रोटेस्टेंट के टाइम में एम्फेसिस था वो यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ, वो उतना ज्यादा नहीं रहा, और रिनेसेंस में दोबारा से वो डिवेलप हुआ. सो ऑल दिस मटीरियल विल बी सेंड टू यू, यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स. सो कुछ फिलोसफर्स जो उस जमाने में बड़े मशहूर थे, दे वर टॉकिंग अबाउट politics, and they were talking about philosophies, about the origin of the government and the nature of government and the role of people, the role of ruler. So Thomas Hobbes jisne Leviathan likhi, Leviathan is very important book associated with Thomas Hobbes.
इसको बाइबल के हवाले से देखा जाए तो इसे सी मॉन्स्टर कहा जाता है। इसका मतलब यानी एक मॉन्स्टर जो कि खेओस लेके आता है समुंदर में, उसे लेवियाथन का नाम दिया जाता है। सो एक बहुत बड़ी बुक थी। सो इट वाज अबाउट सोसाइटी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी? इसे उर्दू में मुआहदे इमरानी कहा जाता है। सो इसके मुताबिक किंग और पीपल इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ। सो उस मुआहदे के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम हुई, इख्तियारात का जायजा लिया गया कि किंग के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे। सो इसमें से कई ऐसे फिलोसफर थे जो कि किंग को सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे थे जॉन लॉक जैसे जो कि नेक्स्ट है, जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म है, जो कि लिबर्टी का कॉयल था, वो लोगों की आजादी चाहता था। ही ऑल्सो हैड ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बट ही टॉक्ट अबाउट लिबर्टी ऑफ पीपल। के 1215 में जो मैग्ना कार्टा हुआ उसके बाद से किंग के जो एक अनलिमिटेड पावर थी उसके अंदर चेक्स रखे गए, जो आहिस्ता आहिस्ता 18 सेंचुरी में आके काफी हद तक इंक्रीज कर गए। फर्दर मोर वी हैव इमैनुअल कांट और वोल्टेयर, ये बड़े इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ चीजों की बुराइयों को देखते हुए एक रेडिकल किस्म का लिटरेचर लिखा, प्रोज वर्क्स लिखे, एसेज लिखे, पैम्फलेट्स लिखे, जिनका काम था कि लोगों को थोड़ा सा एक खड़ा किया जाए उनके पाँव पे, उनको रीजंस आए, उन्हें इंटेलेक्ट आए और उनको पता चले कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है। फर्दर मोर वी हैव योन रोसियो। सो रोसियो जो था ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और उस थ्योरी के ऊपर इसने लिखा। ये फिलोसफर्स से जिन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे लिखना शुरू किया। इसी एज में आगे जाके फिलोसफर्स जो थे, ये पॉलिटिकल फिलोसफी इसका रोल कम भी हो गया, लेकिन स्टार्ट में फिलोसफीज या पॉलिटिकल फिलोसफी को इन काफी रोल मिला। फ्रांसिस बेकन इस जमाने में भी था, काफी लंबा स्पैन है इसका। सो ये अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर रहा इंग्लैंड का, और इसने साइंटिफिक मेथड की बेसिकली डेवलपमेंट को देखा, और उसने देखा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन और ये साइंस को बेसिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज क्रेडिट गोज टू फ्रांसिस बेकन। सो इसमें बेसिकली हम जो एक लेवल पे हिपोक्रेसी देखते हैं। सो हिपोक्रेसी क्या है कि अक्सर आई गेस यू नीड टू गेट अ बेटर इंटरनेट हियर, आई गेस माय वॉइस इज क्लियर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। सो उसमें ये था कि हिपोक्रेसी इन लोगों की क्या थी कि ये जो मेट्रोक्रेसी की बात करते थे और ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, लेकिन इसी टाइम में बहुत सारे लोग थे जो कि मेट्रोक्रेसी के ऊपर नहीं आ रहे थे या उनको ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं थे। ह्यूमन राइट्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी स्लेवरी। स्लेवरी को जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, कई लोग इन्हीं एनलाइटेंड थिंकर्स में से उसको फेवर भी करते थे, क्योंकि स्लेवरी में इनकी मौज थी, इनको गुलाम मिलते थे जो कि एक दफा खरीद लेते थे, फिर उनको इन्हें सिर्फ खाना पीना देना होता था वो इनकी मर्जी से, वरना उनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी और वो कभी आजाद भी नहीं होते थे। सो विमेन जो थे वो भी बहुत ज्यादा एक गैर यानी एक इंसानी रवैया, जिसमें एक मिसजिनिस्टिक एटीट्यूड वो होता है जिसमें मेल सोसाइटी फीमेल को कमतर समझती है, एक नफरत का इजहार करती है। सो बेसिकली हेयर वी सी कि यहाँ पे हम एक एनलाइटनमेंट के ये वाले लोग इन चीजों में भी इन्वॉल्व थे। सो किसी हद तक इस एज में जहाँ पे ये लोग बड़ी बातें करते थे वहां पे इनके अंदर थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी पाई जाती थी। सो 18th सेंचुरी में बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फेजेस, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉनसन। पोप यानी अलेक्जेंडर पोप, जॉनसन डॉक्टर जॉनसन हु वाज अ फेमस राइटर, क्रिटिक, प्रोज राइटर। अच्छा जी, पोप की जो एज थी, वी गेट टू नो कि जो रेस्टोरेशन में चला, जो कि फ्रांस की जो ट्रेडिशंस आई, उन फ्रेंच ट्रेडिशंस की वजह से जो फ्रिवलिटीज शुरू हुई रॉयल सोसाइटी के अंदर, इंग्लिश सोसाइटी के अंदर स्पेशली इन वुमेन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर प्यूरिटन जो फनेटिक बिहेवियर था, जो कट्टर अंदाज था, उसको लोग भूल गए, फरामोश कर दिया, इंटेलिजेंस को प्रिवेल किया गया, कल्चर और सोसाइटी का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों का, टाउन लाइफ की तरफ लोगों की रगबत हुई, जिस तरह के बड़े शहर में जाना, और चूंकि इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो लोगों की कोशिश थी कि वो बड़े शहरों में जाएं और जाके अच्छी कमाई करें। नेचर और उसके एस्पेक्ट्स इग्नोर किए गए इस एज में,
जो कि बाद में आने वाले रोमांटिक्स ने काफी इस पे एहतजाज किया और नेचर को बड़ा रोल दिया। और इस एज में चौसर, शेक्सपियर, शिवेलरिक वर्क्स इनको भुला दिया गया, क्योंकि दिस वॉज एज ऑफ रीजन, पीपल मोर बिलीव्ड इन व्हाट इज साइंस सेइंग और व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो रियलिज्म के ऊपर इनका ज्यादा था कि जो रियलिस्टिकली चीजें चल रही हैं उनको देखा जाए। सो अलेक्जेंडर पोप हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, लास्ट में आपने उसको देखा भी, सुना भी। सो इसको ही वॉज फ्रॉम द सेम एज, इसको हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो पोप जो है ये रेप ऑफ द लॉक की वजह से फेमस था। अब इस एज में जो पोइट्री लिखी गई उसकी फीचर्स से कि फर्स्ट ऑफ ऑल सटायर, कि पब्लिक और लिटरेरी फिगर्स वर टारगेटेड, जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर जिनके ऊपर उनको लगता था कि सटायर बनती है उसके ऊपर ये लोग सटायर करते थे। और उसमें फर्दर मोर जो हम देखते हैं कि इसमें जो पब्लिक फिगर्स थे जिनको लोग जानते थे, जिसमें किंग्स, क्वींस और बड़े बड़े लोग, उनके ऊपर सटायर किया गया। फिर एट द सेम टाइम कुछ लोग थे जो कि ग्रेवयार्ड स्कूल के बानी कहलाए। क्यों ग्रेवयार्ड स्कूल कहा जाता था? बिकॉज दे वर ऑब्सेस्ड विद डेथ, वो डेथ के बारे में बात करते थे। यस, पॉलिटिकल राइटर्स भी उस जमाने में दूसरे को टारगेट करते थे, क्योंकि हॉब्स की फिलोसफी और है, लॉक की और है। सो सिमिलरली उस जमाने में जो ग्रेवयार्ड स्कूल वाले आए, इनकी एक अपनी मॉर्बिड किस्म की सोच थी, डेथ के बारे में सोचना, डिके के बारे में सोचना। और एक क्राफ्टेड मटेरियल होता था, लैंग्वेज सिंपल होती थी। फिर लेस सैटरिस्ट थे जो कि डायरेक्ट सटायर नहीं करते थे, वो आयरनी और विट यूज करते थे अपनी। और फिर इसमें वी सी के पास्टोरल इन्फ्लुएंसेस थे जो कि एक लाइक गांव का कल्चर या नेचर, कुछ कुछ लोग थे जो कि उसको भी लेके चलते थे। ओके, ग्रेवयार्ड स्कूल में हमारे पास है थॉमस ग्रे जिसकी एलिजी है, जिसमें डेथ, डिकेइंग और मॉर्निंग, जिसमें एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, सो दिस इज हिज वर्क। नेक्स्ट वी हैव जेम्स थॉम्पसन जिसने ये लिखे एपिक पोम द सीजंस, जिसमें स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर और कासल ऑफ इंडोलेंस भी उसने लिखा। फिर क्रिस्टोफर स्मार्ट, थॉमस पर्सी, जॉन ड्रायर, रॉबर्ट बर्न्स, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूं इसमें सो फार अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो दैट इज रॉबर्ट बर्न्स एज फार एज यूर पीपीएससी इज कंसर्न। सो रॉबर्ट बर्न्स इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज होली फेयर जो कि इसकी इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसकी ये बाकी नज़में आपके सामने हैं। ये भी चार हमारे पास राइटर्स उस जमाने के, लेकिन अगेन ये चूंकि हिस्ट्री में है तो मैं आपको दे रहा हूं, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज पीपीएससी इज कंसर्न। प्रोज राइटिंग, उस जमाने की प्रोज राइटिंग देखें तो यस, प्रोज राइटिंग में बहुत सारा काम हो रहा था। अब अगर आप इन वर्क्स को देखें तो हमारे पास डेनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि डेनियल डेफो के इस वर्क के बारे में कहा जाता था कि ये और प्राइड एंड प्रेजुडिस या जेन ऑस्टन के जो वर्क्स हैं ये इंपीरियलिज्म का बायस बने। क्योंकि आपने डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ा है या इसकी मूवी या कार्टून्स देखे हैं, सो ये कास्ट अवे मूवी की तरह इसका कॉन्सेप्ट है। कास्ट अवे उसी से बोरो किया गया आइडिया, कि जिसमें एक बंदा आईलैंड पे समहाउ डिजर्ट हो जाता है और वहां पे उसे कोई हेल्प नहीं पहुंचती तो वो सर्वाइव करता है वहां पे। सो दैट इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवर। फाइनली उसको जुमे वाले दिन एक बंदा मिलता है जो कि नीग्रो होता है, तो उसका नाम फ्राइडे रखता है। तो वो चूंकि नीग्रो होता है उसको एटिकेट्स नहीं होते, तो ये उसको एटिकेट्स सिखाता है, उसको अपने साथ रखता है, उसको थोड़ा सा जो भी एक गोरों के अदब आदाब हैं ये सिखाए जाते हैं इस उसको उसको उसकी तरफ से। तो ये चीज बेसिकली बाद में इंपीरियलिज्म की एक अनकॉन्शियस लेसन बना, बायस बनी कि हम गोरे हैं और हम लोगों को सिखा सकते हैं कि हमने किस तरह प्रिवेल करना है अपना एक कल्चर दूसरे कल्चर्स के ऊपर। सो एंड देन जोनाथन स्विफ्ट, उसके बहुत सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें गालिवर्स ट्रेवल्स है, अ टेल ऑफ टब है, मॉडेस्ट प्रपोजल, द बैटल ऑफ बुक्स।
So, Scott, Gulliver's Travels is the most important work, which is included in syllabus of all the universities and very popular as far as PPSC is concerned. So the question is a question like, what is imperialism? Imperialism kya hota hai? Ke jis jab ek qom apne aap ko important, supreme samajhte hue kisi ek mulk ke upar attack karti hai aur notion ye rakhti hai ki hum inko basically trade ke liye inke paas ja rahe hain, yani wo ek bahana hota hai trade ka ya culture develop karne ka ya unko kuch sikhane ka ya un ignorants ko tehzeeb yafta banane ka. So basically ye us pe hamla karke fir unke jo zakhair hain un pe kabu pate hain aur apne mulk mein leke aate hain, jis tarah India mein hua, jis tarah America mein hua, jis tarah Africa mein hua. Ye sari ki sari imperialism ki mukhtalif shapes thi. So Gulliver's Travels important hai, Jonathan Swift ka jisko hum prose writing mein involve karte hain, aur like ye dono figures bahut important hain, Daniel Defoe and Jonathan Swift. Then comes the age of Johnson. So jisme hum dekhte hain commercial aur imperial expansion hui aur French Revolution bhi isi age mein aaya. So commercial aur imperial expansion both are different things. Commercial expansion is tarah hui ki jab duniya har jagah pe phail gaya, England duniya mein, to iska jo traditions hain wo develop hui aur iske bahut sare jo rasoom aur riwaj hain wo duniya mein phaile. और इन्होंने साथ साथ एक्सपेंड भी किया, यानी सल्तनत बरतानिया एक्सपेंड होती गई, जो जो मुल्क ये कंकर करते गए, इंडिया, चाइना, अमेरिका और लाइक अफ्रीका, तो ये हर जगह पे तो इनका कब्जा था. कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, इतनी ये वास्ट एम्पायर थी. सो ये जो कमर्शियल लेवल पे ये इस तरह हुआ कि जब ये पूरी दुनिया पे काबिज हुए तो इंपीरियलिज्म की वजह से, या जो कॉलोनियल सिस्टम था कॉलोनियलिज्म की वजह से, इन्होंने अपनी तजारती मंडियां बनाई पूरी दुनिया में, वहां तक इनका सामान गया. आगे हम आज ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे किस तरह इन्होंने फायदा उठाया. अच्छा, सो एक और क्वेश्चन था कि यस मिनाइल, यू कैन टाइप योर आंसर और यू कैन स्पीक इफ यू वॉन्ट टू. सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो एलिजाबेथन एरा था उसमें स्टार्ट हुआ था ये इंपीरियलिज्म और सब कुछ, तो अगर कोई आए क्वेश्चन तो फिर ये दोनों चीजें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगी. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें स्टार्ट हुआ, मैंने कहा इसमें एक्सपेंड हुआ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन. वो तो रेनेसेंस में स्टार्ट था, रेनेसेंस में नई दुनिया डिस्कवर हुई, पीपल वर ऑलरेडी इनटू दिस. इसमें यह था कि इन आइडिया से फर्दर उनको डेवलपमेंट मिली कि वाकई हमें जाना चाहिए. और फिर इसमें यह हुआ जो क्वेश्चन था कि कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या फर्क है. कॉलोनियलिज्म वो एक टाइम जब वो हमला आवर थे, काबिज थे. पोस्ट कॉलोनियलिज्म उनके जाने के बाद का टाइम जब हम स्टिल उसी असर रसूख में थे. मैं अभी तक कोट पहन के बैठा हूँ, टाई सूट वाले लोग मौजूद हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो अभी तक मौजूद है. Miss Zunaira, that is your height of dedication. Allah aapki shaadi ko mubarak kare. To isi khushi mein hum thoda sa aur padhte hain. Acha ji, to French Revolution isi age mein aaya. This was a horrible revolution, bloody revolution, jisne jhinjod ke rakh diya France ko aur uske jhatke England tak bhi aaye. So iska jo issue tha usko England ne bahut akalmandi se accept kar liya, theek kar liya, warna England mein bhi wahi halaat hote jo फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में हुए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था कि जो हैव्स और हैव नॉट्स इनकी आपस में एक लड़ाई हुई, जो ज्यादातर रूल्स और कवानीन छोटे तबके लिए थे, बड़े तबके वाले अमीर जिसमें चर्च भी शामिल था ये लोग इंजॉय करते थे लाइफ को. गरीबों के लिए कोई सुकून नहीं था, वो अगर अमीर को टच भी कर देता तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता और उन पे कोई मुकदमा नहीं चलता था, वो पड़े रहते थे. फिर इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में जिसमें कहत भी फैला और लोगों के अंदर बदअमनी भी हुई, लोगों के अंदर यानी जॉब से भी नहीं थी, इकोनॉमिक जो बदहाली है वो भी स्टार्ट हुई. तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक पहले खुफिया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने नाम लिखे उन सारे लोगों के जिनको उन्होंने मारना था, फिर उन्होंने इन द एंड चुन चुन के मारा. सो व्हाइल डिस्कसिंग अ टेल ऑफ टू सिटीज, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज, हम उसको उसमें देखेंगे.
नो, बेन जॉनसन एंड डॉक्टर जॉनसन आर डिफरेंट पीपल. सो बेन जॉनसन जो है वो ही वॉज अ कॉमेडियन, और ये जो है ये ही वॉज अ प्रोज राइटर एंड अ क्रिटिक. सो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं इस एज के. सो इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं इसमें बता दूं, इसमें फॉर यू टू फोकस ऑन इज सैमुअल जॉनसन, जिसके नाम पे ये एज है. देन विलियम ब्लेक, जिसे प्री रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है. देन सैमुअल रिचर्डसन, जिसको कहा जाता है ये नॉवल का बानी है. हेनरी फील्डिंग, जो अगेन एक और, इसको भी नॉर्मली कंफ्यूज किया जाता है. कहीं पे आप देखेंगे एमसीक्यूज में कि हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, कहीं पे देखेंगे सैमुअल रिचर्डसन इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, बट द करेक्ट पर्सन इज सैमुअल रिचर्डसन. वो पहले आया था, उसके नॉवल पैमेला को कॉपी किया हेनरी फील्डिंग ने, और शैमेला लिखा उसकी पैरोडी. सो सैमुअल रिचर्डसन इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. ऑलिवर गोल्ड स्मिथ इज इंपॉर्टेंट. और दूसरे कॉलम में अगर हम देखें तो रॉबर्ट बर्न्स, एडम बर्क, एडमंड बर्क और रिचर्ड शेरिडन. सो बाकी नामों को आप मिस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इस एज में बेसिकली एक और चीज डेवलप हो रही थी, दैट वॉज नॉवल. दिस इज नॉट द एज ऑफ नॉवल, बट इट इज रादर द एज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल. इस एज में इंग्लिश नॉवल की डेवलपमेंट हुई. सो प्रोज राइटिंग में ऑलरेडी डेनियल डेफेव एंड स्विफ्ट दे वर राइटिंग. Then came Dr. Samuel Johnson. So Samuel Johnson जो है, he was a reactionary person, और इसने जो है वो एक he made a dictionary, a great dictionary he developed, और फिर उसने periodic essays लिखे, और इसने criticism किया, और इसका criticism बड़ा मशहूर है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर. John Butler, Adam Smith, so they are not important. Adam Smith is more linked with economics. ये भी आगे कुछ figures हैं उस age के. Again, some, so Adam Burke is important on American taxation or conciliation with America. So इस जमाने में features जो थे drama के. So drama as far as in this age is concerned, so restoration comedies, यानी comedy of manner, वो काफी हद तक कम हो गई. ये खत्म नहीं हुई, लोग लिख रहे थे लेकिन कम हो गई. सटायर्स जो हुई इस एज में वो पॉलिटिकल लेवल पे थी, ज्यादातर लोग पॉलिटिकल लेवल पे सेट्रिकल लिख रहे थे, और इसमें प्लॉट के ऊपर इस जमाने में ज्यादा फोकस किया जाता था, हमेशा से किया गया, इस एज में भी किया गया. हेनरी फील्डिंग जो था, इसने भी प्रोज राइटिंग की अपने टाइम में, ड्रामास लिखे, सॉरी प्रोज राइटिंग ड्रामास. सो इसके ड्रामास के अंदर जो सोशल सटायर्स थी उसमें केयरलेस हस्बैंड और यूनिवर्सल गैलेंट, ये इसके प्रोज वर्क्स से जो के मशहूर हुए. आर बी शेरिडन का द स्कूल फॉर स्कैंडल, ओनली दैट इज एनफ. सो द स्कूल फॉर स्कैंडल भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग हैं जिसमें भाई भाई का ही दुश्मन है, और लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए हैं, टाउन टू सिटी शिफ्ट होते हैं, और उसमें फॉर्जरी है, डिसीट है, धोखा है, फ्रॉड है, और ये सारी चीजें हम इसमें स्कैंडल्स, खास तौर पे जिससे इसका नाम है द स्कूल फॉर स्कैंडल. सो स्कैंडल्स हैं जो अपर क्लास स्नोबरी को और अपर क्लास को टारगेट करते हैं. सो रिचर्ड स्टील खिबा, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का शी स्टूप्स टू कंकर, that is a bit important. Ab is zamane mein jo fiction thi, so if we talk about fiction of the same age, 18th century, so isme dekhte hain satirical exploration hai kiski, human follies ki aur vices ki, aur picaresque novel. So picaresque novel, anyone who could tell what picaresque novel is? Sir, these novels are basically about a young hero who goes different adventures. Ji, good, very good. So that is that was a new style of writing. So picaresque novel isme likha gaya jaisa Henry Fielding ka Joseph Andrews hai. That is more about roadside adventures. Ek young hero hota hai rogue sa, aur wo usme roadside adventures hain, travel hai iske andar, aur fun hai, wit hai, और थोड़ा सा एक कंफ्यूजन किस्म क्रिएट होती है जिसमें प्लॉट में.
एक क्वेश्चन हमारे पास नसीम ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड फिक्शन. प्रोज इज ऑन ग्रेटर लेवल, फिक्शन इज अ पार्ट ऑफ दैट. प्रोज ब्रॉडली कोई भी चीज जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखी गई वो प्रोज है. उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उसके अंदर एसेज होते हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, और उसमें फिर हमारे पास फिक्शन होती है. फिक्शन के अंदर नॉन फिक्शन भी होती है. फिक्शन में फिर हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, अफसाने होते हैं, नॉवल होते हैं, नॉवलेट्स होते हैं. सो ये इस तरह है. इसमें फिर हम यस कॉमिक और सेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं पिकरस नॉवल के अंदर. और फिर इसमें लैंग्वेज जो है वो एक आम बंदे के हवाले से, ताकि एक आम इंसान समझ सके. इस टाइम में एक और जो चीज हुई कि गोथिक जो सेंसिबिलिटी थी वो उसको थोड़ा सा डिराइव किया गया. गोथिक यानी गोथिक नॉवल्स, जिसका थोड़ा से गोस्ट्स वगैरह, लेकिन इट वाज ओनली डिराइव फ्रॉम मेडिवलिज्म. इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया. और फर्दर मोर ये जो फिक्शन होती है इसमें एलिमेंट्स होते हैं कि ज्यादातर ये रियलिटी बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन सम ऑफ देम रियली आर. थ्री इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं डैनियल डेफ्यू के, जिसमें मैल फैलेंडर्स और रॉबिन्सन क्रूसो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका रॉबिन्सन क्रूसो है. फिर हमारे पास ये बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आई विल टॉक अबाउट सैमुअल रिचर्डसन, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. सो इसने पैमिला लिखा और क्लैरिसा लिखा 1740 और 1747 टू 8 में. ये फर्स्ट पर्सन था हु रोट अ नॉवल. सो नॉवल बेसिकली इज नॉट के जोनाथन स्विफ्ट ने वो लिखा गलिवर्स ट्रेवल्स, वो नॉवल है. हालांकि वो भी स्टोरी है, लेकिन वी वॉन्ट कॉल दैट अ नॉवल, क्योंकि नॉवल बेसिकली इस चीज, नॉवल के अंदर एक प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड है, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन स्टोरी. सो ये जो है बेसिकली ये इसके अंदर चार डिफरेंट स्टोरीज आ जाती हैं. सो दैट इज मोर कॉल्ड अ नॉन फिक्शन प्रोज वर्क. और हेनरी फील्डिंग जो उसके बाद आया रिचर्डसन के बाद, उसने शैमिला लिखा 1741 में. तो पैमिला पहले लिखा गया था, तो 1741 में जो शैमिला लिखा वो पैमिला की पैरडी था. फिर उसने टॉम जोन्स लिखा और जोसेफ एंड्रयूज, ये दोनों तकरीबन एक ही टाइम पे मौजूद थे, बट सैमुअल जॉनसन वॉज द फर्स्ट टू राइट अ नॉवल. ओलिवर गोल्ड स्मिथ हमारे पास जो है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, बाकी सब में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस वॉज प्राइमरिली द एज ऑफ रीजन और 18th सेंचुरी या लॉन्ग 18th सेंचुरी जिसको कहा जाता है. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एज हम कर लेते हैं आज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेस. सो लेट मी सी इफ देर आर सम क्वेश्चंस बाय यू. डॉक्टर जॉनसन क्रिटिक था. बेन जॉनसन जो था ही वाज ओनली लाइक ही रिनेसेंस का वो कॉमेडी राइटर था. एक और क्वेश्चन है इडियोसिंक्रेसी. इडियोसिंक्रेसी होता है कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि पर्टिकुलर है हर इंसान के साथ, मतलब एक इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर, कि भाई ये तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये लोगों के अंदर तो होता ही होता है. मतलब पैंट पहन के आज भी आप सिंध के दूर गांव में जाएंगे तो इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर रखे हर बंदा आपको देखेगा. ओके जी, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज, और विच इज ऑल्सो नेम्ड एज एज ऑफ रेवोल्यूशंस. एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांटिक रेवोल्यूशन, देन सेकेंडली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड थर्डली अभी ताजा ताजा यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ था. लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है कि कैसे देखेंगे इडियोसिंक्रेसी को, कि एक आम बिहेवियर, यानी कोई कैरेक्टर्स ऐसे नहीं होते कि जिनको आप देखो कि बड़ा डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर बनाया है, वही कैरेक्टर जो कि लाइफ लाइक यूनिक नॉर्मल कैरेक्टर्स जिनको हम अपनी लाइफ में देखते हैं. ये जिस तरह आज तक लिटरेचर में पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा टॉपिंग पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी. ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रोमांटिक पीरियड, ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांटिसिज्म, ये क्या था? बेसिकली एक लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो कि 18th सेंचुरी में हुई, और 1800 से 1890s तक ये रही. लेकिन जो इसका मेन
जो एक बिगिनिंग इनिशिएशन है वो 1798 से 1824 तक थी। इसके बारे में ब्लेक ने भी कह दिया था ऑलरेडी कि न्यू हेवन इज बिगन, और इसके बारे में शेली ने कहा था वर्ड्स ग्रेट एज बिगिंस अ न्यू, और इसके बारे में ये भी कहा गया कि कीट्स की तरफ से कि दीज दीज विल गिव अ न्यू इम्पल्स एंड न्यू व्हाट इज द टर्म न्यू हार्ट और अनदर पल्स, यानी ही टॉक्ड अबाउट फीलिंग्स। ये इसने फीलिंग्स की बात की कि इस एज में फीलिंग्स का एक रोल है। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये जो एज है ये डिफरेंट इस लिहाज से है बाकी एजेस के मुकाबले में, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे कि इस एज में वी डू नॉट फाइंड द रोल ऑफ लाइक लॉजिक एंड रीजन जो कि इससे बिल्कुल पिछली एज में था, हमें वो इस एज में तकरीबन निल नजर आता है या नॉन एग्जिस्टेंट नजर आता है कि इसमें लॉजिक को रीजन को लोग भूल गए और इसमें इशू और द लाइक मेन एम्फसिस वाज ऑन फीलिंग्स ऑफ पीपल। ओके जी, सो गोइंग फर्दर, यस दैट्स माय फेवरेट एज टू। अब ये इस एज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि एक तो यूरोप में वॉर्स ही वॉर्स थी, हर तरफ से अटैक्स हो रहे थे, कुछ इंटरनल वॉर्स थी, कुछ सिविल वॉर्स थी, कुछ बाहर हमले हो रहे थे, सोसाइटी जो थी वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही थी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में, और उसमें फिर जो सोल्जर्स थे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी क्योंकि अब लोगों का ध्यान ऐसा ऐसा वॉर से हटके अपनी प्रोडक्शन पे इंडस्ट्री पे होने लगा। दीज आर द मेन थीम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सॉरी दिस एज, यानी रोमांटिक एज, रोमांटिक मूवमेंट, ये उसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, थीम्स हैं। सो वी स्टार्ट विद रोमांटिक एज इन दिस वे कि ये कुछ अब देखें इस वक्त हम इस मीटिंग में 62 पीपल वी आर हियर, फॉर एग्जांपल वी 62 पीपल आर पोइट्स, सो हम में से हर एक की डिफरेंट राइटिंग स्ट्रक्चर होगा, कुछ हमारा एक डोमेन होगी। बस मेरा दिल टूटा है तो मैं कोई दिल फेंक किस्म की शायरी करूंगा हमेशा। यहाँ पे हमारे पास अब्दुल रशीद हैं तो अब्दुल रशीद जो हैं वो शायद मुहिब्बे वतन शायरी करते होंगे, अब्दुल रऊफ हैं मुमकिन है कि वो रिलीजन की शायरी करते होंगे, अलीना हैं मुमकिन है कि वो एक तालीम के हवाले से लिखना पसंद करती होंगी, हमारे पास अगर अस्मा जायद हैं तो मुमकिन है कि वो बच्चों की शायरी करती होंगी। तो हर एक का एक अपना एक रोल होता है। तो ये वो रोल थे जो उस जमाने में हम देख रहे हैं कि फेमस थे, फोकस थे, यानी ये चीजें उस जमाने में कॉमन थी, उस जमाने में मौजूद थी, इन थीम पे लोग नॉर्मली लिखते थे। लेकिन अगर खुदा न खुस्ता भी जंग छिड़ जाए तो हम ये 62 के 62 लोग मिलके उस जंग के बारे में, वतन के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। सो सेम वाज केस हियर इन दिस रेवल इन दिस एज, ऑल द इंपॉर्टेंट पोइट्स दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी वो इस इन तमाम थीम्स के ऊपर लिखते थे, लेकिन हर एक का कोई एक पर्टिकुलर थीम भी था जिसके ऊपर वो ज्यादा लिखता था। तो आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडिविजुअलिज्म व्हिच वाज कॉमन, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर तवज्जो दी गई क्योंकि इंडिविजुअल की लाइफ पिछली एज में खत्म हो चुकी थी और इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। बेसिकली क्या हुआ जब इंडस्ट्री अमेरिका जो है इंग्लैंड जो है वो पूरी दुनिया पे छा गया, हर जगह पे इसने कब्जा किया, हर जगह पे इसने अपना असर रसूख बनाया, उसका रिजल्ट क्या निकला कि इंग्लैंड को उन जगहों से बहुत ज्यादा पैसा वसूल हुआ। अब वो जो पैसा इसने लिया इसने कहीं पे इन्वेस्ट करना था तो इन्होंने इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रीज से ज्यादा कपड़ा बना, ज्यादा मुल्क इसके अंडर थे, कपड़े उधर गए जहां से हमें भी आदत बनी वलैती कपड़ा पहनने की, तो इनको बेशुमार पैसा उस सूरत में भी आया। अब बेसिकली क्या हो रहा था कि ये कहीं अपना माइक म्यूट कर लें कि यहां पे जितना भी हमने ये देखा कि एक डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट का रिजल्ट ये निकला था, प्राइमरीली उसका रिजल्ट ये था कि
लोग जो थे बेसिकली वो एग्रीकल्चरल से, जिस हमने देखा कि इंडस्ट्रियल हो रहे थे, जो हैंडीवर्क से वो खत्म हो गए, दस्तकारियां खत्म हो गई, लोगों ने फ्रीक्वेंटली स्विच किया इंडस्ट्री पे, मशीन पे। अब एक कपड़ा, अगर एक मशीन, एक बंदा, सॉरी 10 बंदे एक कपड़े को, एक थान को 10 घंटे में बनाते थे, तो वो एक मशीन ने 1 घंटे में बनाना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, 9 बंदे नौकरी से निकल गए और एक बंदा मशीन का सुपरवाइजर लग गया। सो इस तरह लोग आउट ऑफ जॉब हुए। अब वो जो आउट ऑफ जॉब थे, उन्होंने अपनी फैमिली का पेट पालना था, तो वो क्या करते थे, वो सुबह एक जॉब करते थे, शाम को एक जॉब करते थे, रात को घर आते थे, सो जाते थे, एक जॉब दूसरी जॉब सो गए, एक जॉब दूसरी जॉब सो गए। सो दिस रिजल्टेड इन दिस वे के फैमिली, ये डोमेस्टिक कम्युनिकेशन गैदरिंग दैट केम टू एन एंड, दैट सीज्ड, एंड पीपल वर मोर प्रोन टूवर्ड्स मैकेनिकल वर्क्स एंड देवर जस्ट लाइक मशीन्स वर्किंग। इमोशंस खत्म हो गए, उनकी फैमिली लाइफ तबाह हो गई। सो ये बेसिकली रोमांटिक्स जो पिटते थे नेचर के बारे में, वो इसलिए पिटते थे कि भाई इनके अलावा भी जिंदगी है, कोई दुनिया में नेचर भी है, उसको भी देख लो। डेविस जिस तरह कहता है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हम इतने बिजी हैं अपनी मैकेनिकल लाइफ में कि हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो गया। आप अपनी लाइफ को देख लें, नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी ट्रेवल करते करते अचानक एक नजर पड़ती है, इतनी बड़ी नई बिल्डिंग बननी होती है जिसको हमने नोटिस ही नहीं किया आज तक, कि जब से उस पर काम होना शुरू हुआ वो बिल्डिंग फर्निश भी हो गई लेकिन हमने नोटिस नहीं किया। हमारे मोहल्ले में घर बन जाते हैं, हमें नहीं पता होता। सो ये बेसिकली क्या है कि वी डोंट हैव टाइम, हम अपनी परेशानियों में इतने खोए हुए हैं। सो इंडिविजुअल की लाइफ तबाह हो चुकी थी और रोमांटिक्स ने दोबारा से इंडिविजुअल की लाइफ पे तवज्जो दी, और यस व्हाट इज दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। देन नेचर, नेचर के ऊपर इन राइटर्स का बहुत काम था, और आर्ट के ऊपर, दे बिलीव्ड इन परमानेंस ऑफ आर्ट एंड नेचर, लाइक वर्ड्स वर टॉक्स अबाउट नेचर, कीट्स टॉक्स अबाउट परमानेंस ऑफ आर्ट एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। एस्केपिज्म था इन लोगों का, कि ये लोग दुनिया से जान छुड़ाते थे और अपने ख्यालों में तखयलाती दुनिया में जाके एस्केप लेते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिएक्शन था इनका, कि उस इंडस्ट्रियल लाइफ से, मैकेनिकल लाइफ से दूर भागते थे, और कंट्रास्ट था एनलाइटनमेंट से, कि एनलाइटनमेंट थी, बात करती थी उसकी ट्रुथ की, लॉजिक्स की, ये बात करते थे फीलिंग्स की। देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। दोज प्रीवियस पोइट्स और पीपल, दे वेरी दे एग्जिबिटेड द रोल ऑफ इमेजिनेशन वेरी लेस इन देयर वर्क्स, जो कि इसमें बड़ा ज्यादा हुआ। एनीवन हु कुड टेल द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन एज टोल्ड बाय वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। यस मिस राबे यूसुफ, सर, फैंसी इज बेसिकली अबाउट अ मेमोरी, ए पास्ट मेमोरी, एंड इमेजिनेशन इज अबाउट योर इमेजिनेशन अबाउट समथिंग. तो फैंसी जो है वो आपकी कोई पास्ट मेमोरी जो आपके साथ हुआ होता है उसमें कहीं इंक्लूड कर रही होती है. इमेजिनेशन में अब दो काइंड आ जाते हैं, एक प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन. सो प्राइमरी इमेजिनेशन के आप कोई भी हर बंदा इमेजिन कर सकता है ना, और सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो आर्टिस्ट या पोइट ही कर सकता है, कि वो प्राइमरी इमेजिनेशन जो इमेज है उसको ढाल जो है वो पोइम लिखते. तो जब वो पोइम तक आ जाते हैं तो वो आर्टिस्ट ही कर सकता है. तो वो आर्टिस्ट करता है सेकेंडरी, और जो प्राइमरी वो हर कोई कर सकता है. और जो फैंसी जी है दैट इज एग्जैक्टली बेसिकली अबाउट पास्ट, जैसे वो हमारे राइटर एग्जैक्टली डेफोडिल्स को देखता है तो बाद में आकर उस पर पोइम लिखता है, वो फैंसी. यस. एग्जैक्टली दैट्स एक्यूरेट, दैट्स वेरी गुड। और इसमें फिर एक और क्या हुआ कि सुपरनैचुरल एंड गॉथिक, अब ये वो एज थी, आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस एज में लॉजिक्स चल रहे थे, पिछली एज में रीजन चल रहा था। अब वो लोग जो रीजन पे एंड बिलीव एक करते और थे, डिफरेंस भी है सर, जी, मेरी आवाज नहीं जा रही. आपकी आवाज आ रही है, बोलें। ओके, आपकी आवाज आ रही थी हमें, आप क्यों चुप हो गए हमें नहीं पता। तो सुपरनेचुरल गॉथिक, अब ये सर वो वो लोग, गॉथिक डिक्शंस की बात कर रहे थे, कर रही थी वो ओके शायद. ओके सुपरनेचुरल गॉथिक में ये था कि जो वो एज, वो लोग जो कि रियलिटी पे बिलीव करते थे, साइंस पे बिलीव करते थे, उन लोगों को सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाना, सुनाना, पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। तो इस एज में बेसिकली गोथिक लिटरेचर, हॉरर लिटरेचर इन इजी वर्ड्स, ये शुरू हुआ।
सुपरनेचुरल के बारे में नज्में और नॉवल लिखे गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ऐसे लोगों को जो कि बिलीव ही नहीं करते उनको ऐसी चीजें समझाना। एंड डिक्शन लैंग्वेज, सो दिस एज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टॉक्ट अबाउट दोज लैंग्वेजेस, दोज लाइक स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज विच वर ईजी फॉर द कॉमन पीपल सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीड अ पोएम। लाइक इफ यू कंपेयर विद द मेटाफिजिकल पोएट्स हु रोट अबाउट द इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, तो उनकी नज़में आम बंदा नहीं पढ़ सकता था, लेकिन रोमांटिक्स ने जो लिखा दैट वॉज फॉर कॉमन पीपल। ओके स्पेशली गोइंग सर, फॉरवर्ड। जी, और सर जो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्स शुड यूज द डिक्शन ऑफ पीसेंट्स और फार्मर्स, उनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखनी चाहिए जो कि इजीली फार्मर तक जो लेवल का बंदा वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एग्जैक्टली, वेरी राइट। ओके सो इसमें एम्फसिस हुआ फीलिंग्स पे, और हम देखते हैं एक कल्ट डेवलप हुआ सेंसिबिलिटी का। एंड वर्ड्सवर्थ ने बात की स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। जी हबीब अली, हबीब अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसमें यह था कि द फोकस वाज ऑन दिस के ए पोएट राइट पोएट्री फॉर पीपल नॉट जस्ट फॉर हिज ओन सेक, सो द एग्जैक्टली लैंग्वेज ऑफ पीपल मस्ट बी गिवन इम्पोर्टेंस। दैट इज द एग्जैक्टली बेसिक कंसेप्ट गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। हिज पोएट्री में जो है लैंग्वेज का वो बेसिक यही है कि ए राइटर राइट्स फॉर कॉमन पीपल नॉट फॉर इट्स ओन सेक, सो लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। इट वाज आल्सो द एज ऑफ डेमोक्रेसी। जी, इन एज ऑफ डेमोक्रेसी देयर डेमोक्रेसी। इज, डेमोक्रेसी में जिस तरह से आम पब्लिक को अहमियत हासिल है, इसी तरह से ये उन्होंने ये चीज भी उधर लागू की है। वेरी गुड, वेरी नाइस इनपुट हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनपुट। सो वर्ड्सवर्थ सेड के पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो ये क्या था, पावरफुल फीलिंग्स से मुराद वो तमाम तर कॉन्सेप्ट्स आइडियाज जो इनके माइंड में डेवलप हो रहे थे जब ये लंदन की उस कैद लाइफ के अंदर थे, और फिर वो जब आइडियाज थे वो इनको एक बड़ी एक स्पीडी फॉर्म में आते थे, स्पॉन्टेनिटी से आते थे, इन्हें सोचना नहीं था पड़ता, आइडियाज इनकी आमद होती थी। रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी की आइडियाज कब इजहार होते हैं इनका, जब आपके पास सुकून हो, पीस हो। तो जब ये लंदन की लाइफ से दूर जाते थे तो फिर ये उन आइडियाज को पेन डाउन करते थे। सो वो बेसिकली इनकी फीलिंग्स, और रोमांटिक्स ने बेसिकली फीलिंग्स के ऊपर तवज्जो दी। फॉर अगस्टन्स फीलिंग्स और इमेजिनेशन बड़ी डेंजरस थी, लेकिन रोमांटिक्स के लिए रीजन और इंटेलेक्ट डेंजरस था, यानी वाइस वर्सा। अगस्टन जो थे वो रीजन और इंटेलेक्ट पे चलते थे, रोमांटिक फीलिंग और इमेजिनेशन पे चलते थे। अगस्टन कहते थे कि फीलिंग और इमेजिनेशन डेंजरस है, यानी पिछली एज वाले, और रोमांटिक्स कहते थे कि रीजन और इंटेलेक्ट डेंजरस है। जी मुबीन, सर ये हम ये कह सकते हैं कि जो रेनेसेंस एज है और ये जो रोमांटिक्स है इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है किसी हद तक है जा कि रहा है। यस, थोड़ी सी ओपननेस थी, रोल जो था, अहमियत जो थी ह्यूमनिज्म पे थी, और अहमियत जो थी वो इंडिविजुअलिज्म पे थी, ये कॉमन है। और यस के दुनिया में इनकलाब आ रहा था, लोग दुनिया को कैप्चर कर रहे थे। ओके फर्दर मोर कॉलेज ऑफ वर्ड्सवर्थ ये पोइटिक रेवोल्यूशन लेके आए, और उस रेवोल्यूशन में जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट पहले डरी हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के हॉरर्स से, और ये उस हॉरर्स की वजह से बेसिकली परेशान थे कि दोबारा से कोई रेवोल्यूशन ना आए। इसलिए उन्होंने इन राइटर्स को भी पसंद नहीं किया, कई राइटर्स से जिनको जलावतन कर दिया गया, जिस तरह हमारे पास लॉर्ड बायरन था कि उसे एग्जाइल कर दिया गया, एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन एग्जाइल, उसकी बेहतरीन नज्में वहीं से आई। और बेसिकली ये जो था इसमें लाइक इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया। अभी उसके इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं इस एज के, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस्टी कॉलरिज, रॉबर्ट सौदे और डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि पोइट नहीं, पोइटेस नहीं थी, बट शी वाज एन ऑक्सिलरी मेंबर, वो उनकी हेल्प करती थी, शी वाज सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ। सो
Now, first of all, let's have a look on Wordsworth. So, Wordsworth kya tha? He was the poet of nature and also called prophet of nature, a pantheist and philosophical poet. Ji Habib aur Aisha, aap dono kuch kehna cha rahe hain, ji bole. Sir, isme... sir, maine aapse puchna tha ki Lord Byron ko exile kar diya tha. I missed that. Ki iski reason kya thi? Ye diaspora? Nahin, ye jo log the basically ye inka jo writing structure tha bada radical tha. Aur inke writing structure se government ko ye lagta tha ki kahin ye logon ko ishtal na dilayen ke log jo hain French revolution jaisa koi revolution na le aaye. Okay, sir. But sir, aap thoda sa isko explain kar dein ke ye kyun exile? Matlab, I know ke French Revolution pe uksana bhi ek kisam ki matlab ek different thought hai jo matlab pasand nahi karte higher up jo hote hamare. But phir bhi क्या writings इतनी ज़्यादा उनकी मतलब against थी? जी जी, इनकी जो writings थी वो इतनी against, सिर्फ ये नहीं, French Revolution तो already आ चुका था ना, government चाहती थी तब दोबारा सा revolution आए, plus अब government develop कर रही थी industry, government जा रही थी लड़ाइयों पे, government ने मुख्तलिफ किस्म के issues को tackle करना था. अब इस age में ये जो लोग थे ये basically बहुत ज़्यादा radical किस्म के pamphlets लिखते थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते थे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते थे, और फिर गवर्नमेंट को लगता था कि ये लोग डायरेक्ट हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो जो उसमें उनको ज्यादा खतरा होता था जिनसे, उनको फिर वो निकाल देते थे. गॉट इट? यस सर. जी नसीम. सर, इसकी मिसाल आजकल के दौर जी सर आजकल भी ली जा सकती है कि जैसे मिस आयशा को समझाने के लिए कि आजकल भी इवन के फेसबुक पे भी अगर कोई पेज लोग बना लें तो उसको बंद कर दिया जाता है कोई आर्मी के खिलाफ या पॉलिटिशियंस के खिलाफ, तो उस वक्त कोई माइनर सा पेज भी हो. हाँ जी, वो आप पे अटैक भी होता है उसका और बंद भी हो जाता है. जी नसीम. I have read somewhere that Wordsworth is a poet laureate. What is meant by poet laureate? लॉरिएट होता है जो सरकारी पोएट, जिसको एक सरकारी तौर पे पोएट का एक दर्जा देती है हुकूमत. ओके, थैंक यू सर. बंदे से कहा जाता है कि वो सरकारी नज़में लिखे या सरकार के तौर पे वो एक सीट को संभाले. ओके जी, गोइंग फर्दर. पोएट ऑफ नेचर, प्रॉफिट ऑफ नेचर, बिकॉज ही वाज़ अ पैंथियस्ट. पैंथियस्ट कौन होता है? जो कि वादतुल वजूद या वादतुल शहूद पे बिलीव करता है कि एवरीथिंग इज अ डिपिक्शन ऑफ गॉड, दैट गॉड हैज क्रिएटेड, स्पेशली नेचर में वो खुदा को ढूंढता था. So he was a philosophical poet. Uski jo Tintin Abbey aur Ode on Intimation of Immortality, ye badi philosophical poems hain, unko samajhne ke liye badi thodi si tawajjuh chahiye hoti hai. So basically for his love for God in nature or for the presence of nature and reminders as a reminder of God, isko poet or prophet of nature kaha gaya. Iski jo important works hain wo ye hain, jisme lyrical ballads hain, प्रील्यूड है. लिरिकल बैलेट का डेट जो है 1798 बड़ी इंपॉर्टेंट है. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1801 में स्टार्ट हुआ. अच्छा, लिरिकल बैलेट जो है ये इसके बारे में ये जो बेसिकली लिरिकल बैलेट्स हैं ये एक कलेक्शन है नज्मों की जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिल के लिखी. सो इन दोनों का ये एक ज्वाइंट वेंचर था जो कि 1798 में ये पब्लिश होता है. इसमें जो फर्स्ट यानी आप इसको अगर लिरिकल बैलेट्स को पढ़ेंगे तो इसमें बेशुमार नज़में हैं. जो फर्स्ट पोम है दैट इज बाय कॉलरिज, दैट इज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और ये एंड होती है वर्ड्सवर्थ की पोम लायंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेट या लास्ट फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेट, तो ये कौन सी थी? जी मलिक इकबाल एंड अस्मा बोले. सर, मैंने पूछना था कि बहुत ज्यादा जो ऑथर्स और पोइट्स वगैरह की
डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, तो मतलब काफी ज्यादा पोएट्स हैं और ऑथर्स हैं, तो क्या हम इन सबकी याद रखनी पड़ेगी या कोई इम्पोर्टेंट? सबकी नहीं, सबकी बिल्कुल जरूरी नहीं है. शेक्सपियर हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, कीट्स शेली ये हो गए, मिल्टन हो गया, चौसर हो गया, इस तरह के जो बड़े की पोइट्स हैं उनको देखें सिर्फ, ड्राइडन हो गया. बाकी जो छोटे मोटे पोइट्स हैं कोई जरूरत नहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ याद करने की. ओके, वी हैव लिरिकल बैलेट्स. उसके बाद द प्रील्यूड, जो कि इसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था. इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी और उसमें वो यही कहते हैं कि लंदन में मैं कुछ नहीं लिख सका, लेकिन अब लंदन से मैं जब निकला हूँ, लेक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तब मुझे टाइम मिला है कि मैं कुछ ना कुछ लिख सकूं और थोड़ा सा उस पे यानी अपने जो माइंड में आइडियाज है उन्हें पेन कर सकूं. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1801 में लिखा गया बाय वर्ड्सवर्थ, जिसमें वो अपनी इस डिक्शन की बात करता है, पोएटिक डिक्शन की, जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने डिस्कस भी किया कि लैंग्वेज जो है दैट शुड बी लैंग्वेज ऑफ पीपल. हबीब साहब ने भी कहा कि जिस तरह डेमोक्रेसी होती है इसी तरह लैंग्वेज ऑफ पीपल, कि लोगों की लैंग्वेज वो लिखें जो कि लैंग्वेज को समझ आती हो, लोगों को समझ आती हो. सो इस तरह ये प्रीफेस इसमें लिखा लिरिकल बैलेट्स का. अगली दोनों पोम्स जो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी एंड लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिनफ्रेन एबे. सो ये इसमें जी मेरे YouTube चैनल पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है सारी. तो यानी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. बेसिकली थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता हूँ, इसलिए कि टेक्स्ट इसमें जो चैट बॉक्स में मैसेज आते हैं मैं उनका जवाब दे रहा होता हूँ. तो ये है कि बेसिकली ये जो दोनों हैं इसमें वो बात करता है नेचर की और इसमें अपनी फीलिंग्स बताता है कि पहले जब मैं बचपन में यहाँ पे आता था तो नेचर कैसा सलूक करती थी और अब कैसा है. सो एक पोम में वो अपनी सिस्टर के साथ आता है, एक में वो अकेला देख रहा है. वो अपने कुछ फेजेस लाइफ के उनको मॉनिटर करता है फिलोसॉफिकल अंदाज में और फिर कंपेयर करता है कि नेचर पहले इसको कैसा एक प्लेयर देती थी यहाँ पे और उस प्लेयर में अब क्या चेंज आया. तो उस चेंज का कंपैरिजन करता है और फाइनली ये अग्रीज के नेचर की तरफ से किसी चीज में कमी नहीं हुई. नेचर वैसे ही सब्लाइम है. नेचर पहले एक बच्चे की तरह उसको एंजॉय करवाती थी, अब नेचर उसके दुखों में उसके लिए एक बाम का सबब बनती है, एक आराम का सबब बनती है. कुछ लिरिक्स लिखे उसने, ओड्स लिखी, सोनेट्स लिखी. इसकी एक पोम जो है लाइन कंपोज्ड ऑन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ही टॉक्स अबाउट लंदन सिटी, कि वो लंदन में खड़ा है और लंदन में वो देख रहा है कि आसपास की फैक्ट्रीज ने अभी धुआं उगलना शुरू नहीं किया, लोग सोए हुए हैं और वो उस जमाने की पोल्यूशन और नेचर से इग्नोरेंस की बात करता है बेसिकली. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट मिस आयशा. जी मिस जुनैरा. यस सर, आई वांट टू ऐड इन जस्ट योर वर्ड्स दैट अबाउट वर्ड्सवर्थ. आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन दैट ही लव टू पेंट स्प्रिंग टाइम ब्यूटी ऑफ नेचर एज यू हैव टोल्ड अस दैट ही यूज्ड टू एक्सपीरियंस थिंग. And then he used his expression with spontaneous outburst of his feeling. And nature is supreme for Wordsworth. And he begins in delight and ends in delight. And nature was a source of learning. And nature was so powerful for him. So that's why the theory pantheism took place in his writing. And he loved to paint springtime, beauty, nature, and his language was very genuine, simple. He used to write with plain, simple thoughts that were very convenient for people. And I want to add that Byron said to him that he was very dull, over mild, flat, like a sauce in which cook has forgotten to shake pepper. So Byron was against Wordsworth's poetry. You're right. So you're very much right, and this was very good addition to our knowledge and to this class as well. Thank you very much, Ms. Zanera. So now it's time for me to fill my glass of water. So meanwhile, I want all of you to think about this suspension of disbelief. You don't have to Google it. Just think, okay, what is meant by suspension of disbelief? So I'm just coming and I ask you.
जी मिस जुनैरा, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। Sir, I have read about it, but nowadays my mind is just stuck. I'm just trying to just give me time, please. Okay. So meanwhile, you can think about that and let me tell about first initial words. So Coleridge was poet of supernatural. So he was supernatural poet. Just a Wordsworth romanticism ki sare elements ke bare mein dekhta tha. लेकिन उसका मेन एम सॉरी फॉर इंटरप्शन जी जी सर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मीन टू बिलीव इन समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट लाइक शेक्सपियर हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड व्हिच वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड बट ही मेड अस बिलीव दैट दैट इज पार्ट ऑफ द रियलिटी लाइक यू नो थैलो एंड इन डिफरेंट प्लेस ही यूज सच एलिमेंट्स दैट वी एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट वर्ल्ड Okay, okay, very good. Excellent. The term is in itself very self-explanatory. For example, suspension of disbelief means to, you know, start thinking something unreal as a real thing for a while. Exactly. Very good. And those who have written answer in chat box, they're good too. Okay. First, poet of supernatural. So he was like Wordsworth, who was talking about all the themes of this in romantic age, but his main emphasis was on nature. Similarly, Coleridge talked about all the elements, but he talked more about supernatural. So Coleridge was more into supernatural elements. He was addicted to opium, and that like he was a strong like in addiction of opium that he lost his willpower and he could never say goodbye to opium. And most of his poems are written under the influence of opium. Now, suspension of disbelief, as it is said, this was for example, that age in which they were already believing in logics and reasoning. So they did not believe in such stupidity like existence of ghosts and supernatural beings. But कॉलरिज ने जो लिखा उसको इतनी खूबसूरती से लिखा कि उसको पढ़ने के बाद जो डिसबिलीफ है इन चीजों पे वो खत्म हो जाता है लाइक कॉलरिज की नज़में पढ़ने के बाद उसके जो हॉरर एलिमेंट्स सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पढ़ने के बाद वी फॉरगेट दिस थिंग के सच थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट हम बिलीव करते हैं कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है यस कुबला खान इज द एग्जाम्पल ऑफ हिज समथिंग रिटन इन ओपियम एंड ऑल्सो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जिस तरह की वो चीजें और प्लेस दिखाता है लाइक वो हमें लगता है कि हमें नजर नहीं आई आज तक ऐसी और ये एक इनकम्प्लीट पोम थी कुबला खान इसकी क्योंकि उसने ओपियम के नशे में लिखी और उसके बाद वो नशा टूट गया ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें लिरिकल बैलेट्स जो कि इन दोनों ने मिल के लिखे प्लस फिर उसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि इसका प्रोज वर्क है अगेन ही टॉक्स अबाउट लिटरेचर लैंग्वेज एंड पोइट्री प्राइमरली क्रिस्टबल इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है 1816 में लिखा गया जो कि गोथिक किस्म का वर्क है इन विच ही टॉक्स अबाउट अ सुपरनैचुरल बीइंग जो कि खातून की शक्ल में आती है और एक लड़की के करीब हो जाती है और वो लड़की उसको घर ले आती है जहां पे आके उसको फील होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आई और वो जो एक यानी जो एक सुपरनैचुरल किस्म की लड़की होती है वो उसके फादर के ऊपर काबू पा लेती है अपना सो ये भी एक फ्रेगमेंट है ये भी वो पूरा नहीं कर सका फिर कुबला खान यू नो कि दिस इज आल्सो रिटन इन द सेम इंटॉक्सिकेशन इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर राइम के बहुत सारे मीनिंग है राइम मीन्स स्टोरी राइम मीन्स जो नज़म राइम मीन्स फॉग ये सारे मीनिंग्स हैं इसके तो एंशिएंट मैरिनर एक सेलर होता है नो हुमैरा असलम दे आर बोथ डिफरेंट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और नेगेटिव कैपेबिलिटी आर डिफरेंट वो हम डिस्कस करेंगे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में जो एंशिएंट मैरिनर होता है वो एक ऐसे शादी के फंक्शन में मिलता है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक गेस्ट का हाथ पकड़ के उसे बिठा लेता है सो उसके बड़े बोनी किस्म के आर्म्स होते हैं हैंड्स होते हैं तो गेस्ट बड़ा डर भी रहा होता है सो वो उसे स्टोरी सुनाता है अपनी स्टोरी क्या होती है वो कहता है कि मैं निकला समुद्री सफर पे सात लोग थे तो हमारा सफर बहुत अच्छा जा रहा था अचानक
एक अल्बेट्रॉस, अल्बेट्रॉस इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, एक बड़ा सा सीगल, समुद्री बगला, वो नजर आया तो मैंने उसको तीर मारा कि ये बदशगुनी का एक साइन है। तो हमारा सफर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन असल बदशगुनी तब शुरू हुई जब मैंने खुदा की एक क्रिएचर को बिला वजह मार दिया। उसके मरने के बाद हमारे जो है जहाज रुक गया, हवाएं रुक गई, फॉग हर तरफ छा गई और हमारा खाना खराब होने लगा, गलना सड़ना शुरू हो गया, पानी खराब हो गया। सो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हमें आसपास पानी पानी है लेकिन हम पानी का एक कतरा भी नहीं है पीने के लिए, समुद्र का पानी खारा है हम नहीं पी सकते। तो ये लोग बड़े परेशान होते हैं कि अचानक एक शिप नजर आता है जिसमें लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ दो पर्सोनिफाइड फॉर्म्स डाइस गेम खेल रही होती हैं। तो लाइफ इन डेथ जो है वो जीत जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो इसके सारे क्रू मेंबर्स मर जाते हैं और ये अकेला रह जाता है। पर फाइनली वो उसमें एक और चीज देखता है, क्रिएचर जो इसके शिप के डेक पे चढ़ती है, उसे मारते मारते रुक जाता है कि ये भी खुदा की क्रिएचर है। इससे इसका कर्ज खत्म होता है और ये वापस अपनी जमीन पे आ जाता है। तो उसको अब ये कर्ज होता है कि जब तक वो ये स्टोरी किसी को सुनाएगा नहीं, वो उसको तसल्ली नहीं होगी। सो वो उसे रोज कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है अपनी कहानी आप बीती सुनाने के लिए। सो दिस इज अगेन अ सुपरनेचुरल पोम। फ्रांस एन ओड, फ्रांस का उसने मंजर खींचा और इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक असर नजर आता है। डिजेक्शन वे उसमें अपनी पर्सनल मिजरीज जो हैं उनको आश्कार करता है सबके सामने। एंड देन रॉबर्ट सादे, सो ही वाज अ गुड राइटर, गुड रीडर, लेकिन उसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइक हिज फ्रेंड्स। सो ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कुछ, बट यू नीड नॉट पे मच अटेंशन टू हिम। देन स्कॉट ग्रुप, जिसमें हमारे पास वॉल्टर स्कॉट है। सो इनमें सिर्फ स्कॉट इज सम व्हाट इंपॉर्टेंट, ये स्कॉटिश प्ले राइट, पोइट, नॉवलिस्ट और हिस्टोरियन था। इसकी जो पोइट्री है वो इसने पोइट्री को आम लोगों में पॉपुलर बनाया, और उसकी कुछ नज्में इन वर्ड्सवर्थ और कॉलेज से भी ज्यादा मशहूर हुई लोगों में। सो ये बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैरिमम, द लेडी ऑफ द लेक, द लास्ट डे ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, रॉक बाय। एंड देन कम्स द यंगर ग्रुप। तो यंगर ग्रुप में हमारे पास बायरन, शेली और कीट्स हैं। सो टू मी दीज टू पोइट्स, शेली एंड कीट्स, दे आर द बेस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स और बेस्ट ऑफ द पोइट्स एवर। सो इफ यू आस्क माई चॉइस, सो आई लाइक बोथ ऑफ देम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायरन जो है बड़ा पॉपुलर था, इसके वर्क्स जो थे पॉपुलर हुए, लेकिन वो वाले जो किसने एग्जाइल में लिखे, इसकी पर्सनालिटी का ग्लैमर था, एक बड़ी चार्मिंग और करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी। इसकी पोइट्री शेली और कीट्स जैसी तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ही वाज अ पर्सन हु वाइडली ट्रेवल्ड और रेवोल्यूशनरी था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बड़ा मुतासर था ये। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें डॉन जॉन और चाइल्ड हार्लट्स, हार्लट्स पिलग्रिमेज, दे आर इंपॉर्टेंट। शेली, सो शेली वॉज सन एंड सिंगर ऑफ रेवोल्यूशन। अगेन ही बिलीव्ड इन ऑल द थिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रोमांटिक एज, बट ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन रेवोल्यूशन। इसके ग्रेटेस्ट एक लिरिकल और फिलोसॉफिकल पोइट कहा जाता है। ही वॉज एलेज्ड एज एथियस्ट बिकॉज उसके बचपन में या उसने अपने चाइल्ड हुड स्कूल एज में और कॉलेज एज में जो पैम्फलेट्स लिखे उसमें एंटी रिलीजन हमें एक फीलिंग आती थी, लोग इसको एथियस्ट कहते थे, और इसकी पोइट्री जो थी बड़ी रेडिकल थी व्यूज में। तो मार्टिन लूथर जूनियर और गांधी, इनसे ये इंस्पायर्ड था। सो इस वजह से इसके अंदर बड़ी बाग़ियाना किस्म की सोच पाई जाती थी। अब इसकी जो पोम्स है उसमें ओज़िमेंडियास, सो ओज़िमेंडियास जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोम। और यस, बायरन वाज ईगो इगोटिस्टिक जी, वी बायरन इगोइस्टिक था कोई शक नहीं। वी हैव समवन टू से समथिंग, जी बोलें अक्सा आई गेस। ओके अक्सा बोलें।
ओके जुमेरा जी आप बोलें। सर गांधी जी वाज इंस्पायर्ड बाय शैले नॉट शैले वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। ओके सो दैट नीड्स अ रिवीजन, आई लुक इनटू दैट, बट आई गेस जी जी सर मैंने ये कहा है कि गांधी जी जो हैं वो इंस्पायर्ड थे शैले से, ना कि शैले इंस्पायर्ड थे गांधी जी से। ओके ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर करेक्शन। ओके जुनैरा डू यू वांट टू से समथिंग? ओके सो यस यहाँ पे हम अब इसके जो वर्क्स है उसमें ओज़िमेंडियस जो कि एक सोनेट है जो किसने शेली ने लिखी, और ये बेसिकली इसमें वो एक स्टेचू दिखाता है ओज़िमेंडियस का जो कि बेसिकली रेमेसिस टू को वो फिरौन को बेसिकली वो उसमें टारगेट कर रहा है कि ये जो ग्रीक फेरो था यानी रोमन फेरो जो था जिसको रेमेसिस टू कहा जाता है उसका ग्रीक नेम ओज़िमेंडियस जो है हमें बताया गया। सो ये ब्रिटिश म्यूजियम में भी इसके स्टैचूज पड़े गए हैं, तो उसके वाले से कह रहा है कि वो किसी जमाने में कितना इंपॉर्टेंट था लेकिन इसका अब वो मुजस्मा जो टूटा हुआ है और डस्ट को टच कर रहा है। ये एक ट्रेवलर ने मुझे दास्तान सुनाई कि क्या हाल होता है इंसान का, यानी वो जो आपकी बादशाही है वो एक शॉर्ट लिव्ड है, दैट इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो Ode to the West Wind again is a revolutionary poem in which we get to know ke revolution hai aur revolution basically jo hai usme we get to know ke that is just like west wind. West wind kya hoti hai jo ke western societies mein we find ke jo ek aandhi aati hai takriban autumn ke season mein. So autumn ke season mein ye jo aandhi hai ye badi hi zyada popular aur notorious bhi hai जो कि बड़ी तेज होती है, तनदेही होती है इसमें। सो वो उसको कंपेयर करता है रेवोल्यूशन से, जिस तरह आंधी आती है जमीन पे भी बेड़ा गरक कर देती है, आसमान पे भी और पानी के अंदर भी, तो इसमें यही सेम होता है जब वो रेवोल्यूशन आता है, तो रेवोल्यूशन आके हर चीज का बेड़ा गरक कर देता है। लेकिन जिस तरह आंधी डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है कि वो पत्तों को उड़ा देती है, दरख्तों से निचोड़ देती है, अलग कर देती है, लेकिन उन्हीं पत्तों के बीजों से जब नई लाइफ निकलती है वो भी उसी वजह से है, और रेवोल्यूशन भी नई लाइफ देता है कि पुरानी चीजों को खत्म कर देता है और नई चीजों को एक्सेप्ट करता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। सो ये ओड टू द वेस्ट विंड एक रेवोल्यूशनरी पोम है। सो यस गांधी जी रेड ओड टू द वेस्ट विंड ऑन हिज डेथ बेड, यस वेरी मच राइट, और वो जारी बता वो उस एज के बाद आए, सो दिस वाज माय टाइपिंग मिस्टेक। तो उसमें बेसिकली ये है कि ओड टू द वेस्ट विंड, यस इट इज इन माय प्लेलिस्ट, यू कैन वॉच दैट। फिर इसमें क्वीन मैब इसकी इंपॉर्टेंट थी, वो भी एक इसी लेवल पे एक रेडिकल किस्म की पोम है। टू अ स्काईलार्क, जिस तरह वर्ड्सवर्थ की टू द कुकू और ओड ऑन एन आई ओड टू अ नाइटिंगेल बाय कीट्स, similarly to a skylark this is by Percy Bysshe Shelley. So this poem is very important in a way ke bahut bahut kamal kism ki usme similes isne use kiye, yani this poem is full of similes jo ke wo use karta hai, aur usme yani uski jo similes hain they're wonderful ke aapko kamal had tak usme khoobsurti nazar aayi. So this is very beautiful poem in a way. The Revolt of Islam, again naam se pata lag raha hai ki the title is about revolutionary ideas, and then we get to know about furthermore jisme hum dekhte hain a hymn to intellectual beauty jo ki bahut important work hai iska. Hymn to intellectual beauty mein he talks about the blessings of God which are not received by the human beings, and not everyone can understand the presence of God, not everyone can achieve God. So it is basically a person's his striving, or jisme wo agar he is dedicated to usko khuda mil sakta hai. So do we have to study important? Not all the works, but yes, you need to know the themes of these poems like Ozymandias, or you need to know what about Ode to the West Wind, Skylark, Hymn to Intellectual Beauty, और बेसिकली ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिम बेसिकली ओड जो है, ओड पोम होती है, ये भी क्वेश्चन आया कि हिम और ओड में क्या फर्क है, ये दोनों नज्मों की काइंड है। हिम नॉर्मली आप किसी
एक सुप्रीम बीइंग यानी खुदा की उस हम्द में करते हो, लेकिन जो ओड है बेसिकली दैट इज मेंट टू बी संग, और जिसमें आप किसी को एड्रेस करते हो, किसी इनएनिमेट बीइंग को आप एड्रेस करके उससे गुफ्तगू करते हो, दैट इज कॉल्ड एन ओड। ओके जी, सो गोइंग फर्दर, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज हिज वर्क इन विच ही टॉक्स अबाउट द रेवोल्यूशन, जिसमें वो रेवोल्यूशन की बात करता है, और बेसिकली उसने ये एक तरह से पोम लिखी जिसमें तकरीबन उसने 12 कैंटोज यूज किए, एक बड़ी लंबी चौड़ी पोम है, और इसमें इसने लाइक ही टॉक्स अबाउट लाइक ओटोमन एम्पायर, ओटोमन रूल, लाइक हु इनिशिएट अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट इट्स डिस्पोटिक रूलर। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो कि ओटोमन एम्पायर के अंदर रहते हुए उससे तंग थे, उन्होंने अपने रूलर के खिलाफ किया, तो बेसिकली उसमें ऑटोमंस को इसने एक तरह से इसमें टारगेट किया। ओके जी, नेक्स्ट इज जॉन कीट्स। सो जॉन कीट्स इज अ सुप्रीम पोएट एंड हैविंग सो मेनी कैपेबिलिटीज विद हिम। अगर आप लाइक इन दोनों की एक तरह से लाइफ को देख लें, लाइक इफ यू टॉक अबाउट शेली, सो शेली और जॉन कीट्स, इनमें शेली जो है जस्ट 30 ईयर्स और कीट्स जस्ट 25 ईयर्स, ये इनका एज स्पैन था। और लाइक किस हद तक ये जो था उसमें रहा, किस हद तक ये उसमें फोकस्ड रहा, और इसमें क्या क्या लिख दिया इन दोनों ने, अगर इनकी ज्यादा एज होती तो ये क्या लिखते, लाइक दे कुड हैव बीन द वंडरस पोएट्स एवर, स्टिल दे आर, लेकिन 25 और 30 साल की उम्र में मरना, दैट इज वो तो आपकी एज की मेच्योरिटी भी अभी स्टार्ट नहीं होती। सब कुछ था इसके अंदर रोमांटिक एज के वाले से, बट ही वाज प्राइमरीली पोएट ऑफ ब्यूटी, देन इमेजिनेशन इसके अंदर सबसे ज्यादा थी। ही बिकेम अ पार्ट ऑफ अर्न एज सून एज ही सॉ, ही बिकेम अ पार्ट ऑफ नाइटिंगेल्स वर्ल्ड एज सून एज ही हर्ड। सेंसुअसनेस, ही टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ 5 सेंसेस, बहुत बड़ा एस्केपिस्ट था, ही वांटेड from miss from the unrequited love of Fanny Brown, from his brother's illness and death of TB, from his own sickness due to TB and poverty, ये सारी चीजें ये इसके लिए enough थी escapist होने की वजह से। And Hellenist, we get to know कि he was a poet using Greek ideas. So Hellenism क्या होता है? लव फॉर ग्रीक आर्ट कल्चर म्यूजिक फेस्टिवल्स स्टोरीज माइथोलॉजीज, सो इसका एक बड़ा गहरा असर था इस बारे में। सो कीट्स जो है प्राइमरीली जो है पोइट ऑफ ब्यूटी है, ही सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एंड देन ही सेज ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। सो हियर ही सेज के ब्यूटी जो है वो ट्रुथ है, यानी कौन सी ब्यूटी, जो कि इनर ब्यूटी है, रियल ब्यूटी, फेशियल ब्यूटी नहीं, वो ब्यूटी जो कैरेक्टर की है, जो सोल की है, जिसके बारे में अलेक्जेंडर पोप कहता था चार्म स्ट्राइक द साइट बट मैरिट विंस द सोल, ये वो वाली ब्यूटी जो कि फॉरएवर है। एंड ब्यूटी ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, और ट्रुथ वो है जिसमें ब्यूटी शामिल है। ट्रुथ एट वंस एट टाइम्स आपको बड़ा बुरा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन इनफैक्ट वो जो खूबसूरती है असल वो उसी उसी के अंदर, जो कि लेटर ऑन रियलाइज होती है, लेकिन रियलाइज होती है। इन दिस वे एक और इसके अंदर जो क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि व्हेन यू नो लॉन्गर हैव इन्फ्लुएंस ऑन थिंग्स दैट यू कैन चेंज, यू फॉरगेट द थिंग्स एंड यू स्टार्ट लिविंग विद दैट। सो कीट्स जो है उसके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिस तरह पॉलिटिकल लेवल पे बड़ा कुछ हो रहा था, सोशल लेवल पे बड़ा कुछ हो रहा था, तो इसने इसका यह कि ये उन इसने उन चीजों को उस तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं, उनके बारे में उस तरह सोचा ही नहीं, निगेट कर दिया उन तमाम चीजों को, और उसके ऊपर रहा जो कि इसका मेन थीम से मेन फोकस था। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स कि जिन चीजों को आप नहीं समझ सकते उनको छोड़ दो। सो दैट इज व्हाट ही डिड। सो इसमें ओ टू अ नाइटिंगेल और वहां से लेके फॉल ऑफ हाइपीरियन। सो आप इन नज्मों में देखें, अगर आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस ऑफ हेलेनिज्म, सो ग्रेशियन अर्न साइकी,
एंडीमियन, लेमिया, हाइपीरियन, फॉल ऑफ हाइपीरियन, ये सारी नज़में इसकी हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी से हाईली इम्प्रेस्ड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। और बाकी नज़मों में भी कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस नजर आता है, नाइटिंगेल में भी आता है, ऑटम में भी आता है, मेलनकली में भी आता है। तो इसकी बेतहाशा नज़में या तो ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर हैं या उनके हवाले से इसने उन पे लिखा। सो कीट्स के वर्क्स के अंदर उसकी जो सिक्स ओड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें अगर हो तो हाइपेरियन के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक इसका वन आई हैव फेयर्स आई मे सीज टू बी, ओके यस। एक और इसमें हमारे पास इनपुट आया है कि यस जो डिफरेंस है कीट्स और फ्रॉस्ट जो मॉडर्न पोइट अमेरिकन पोइट उनके दरमियान डिफरेंस ये है कि कीट्स जो है वो दुनिया में रहते हुए एस्केपिज्म में चला जाना चाहता है और वापस नहीं आना चाहता। फ्रॉस्ट जो है वो कहते हैं द वर्ल्ड इज फिट प्लेस टू लव और लिव, कि दुनिया मोहब्बत की और रहने की जगह हमें इन द एंड वापस आना पड़ता है, तो वापस आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके जी, सो और अब हमारे पास इसमें मिनाहिल ने क्वेश्चन कर। जी मिनाहिल। सर मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एम्पैथी में भी आती है, कि मतलब कीट्स के बारे में ये फेमस था कि वो बहुत ज्यादा चीजों के साथ एम्पैथिक हो जाते हैं, मतलब कि जिस तरह अगर हम नाइटिंगेल की एग्जांपल लें तो वो भी मैंने पढ़ा था कि वो नेगेटिव कैपेबिलिटी में आ जाती कि कीट्स ने लिखता है कि मतलब जो वो नाइटिंगेल है जब वो बिल्कुल जा रही होती है ऊपर उड़ रही होती है तो एक वक्त आता है कि कीट्स ही खुद फील करता है कि वो ही नाइटिंगेल है, तो वो भी नेगेटिव कैपेबिलिटी में आएगा कि मतलब वो इतना ज्यादा आप किसी चीज के साथ एम्पैथिक हो जाए कि आपकी जो है आप फील करो कि आप वही चीज बन गए हो। जी इन दिस वे जैसे ये अर्न का हिस्सा बन जाता है, ही इज नो मोर कीट्स, ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ अर्न और ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल, सो ये भी इसको हम कह सकते हैं यस। लेकिन प्राइमरीली जो शेक्सपियर के हवाले से था उसमें बेसिकली ये था कि टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी reaching after fact or reason, primarily वो है, लेकिन ये इसको हम भी include कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। Okay जी, so Hasnan जी, yes you want to say something? Hasnan and Habib, yes. Sir, negative capability में यही है कि to negate your own self and become the things about which you are talking, that is called actually negative capability. When Keats says about Shakespeare that he is a great master of this technique that is coined by Keats, negative capability, it means Shakespeare adopts various characters. Sometimes he becomes Hamlet, sometimes he becomes Claudius, sometimes टाइम ही बिकम गर्ट्रूड, वो सब के करेक्टर में ऐसा समाता कि ऐसा लगता है कि गर्ट्रूड जैसे वो खुद ही औरत बन गए। तो दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। योर सेल्फ को लूज करना और अदर सेल्फ में चला जाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेगेट योर सेल्फ, एग्जैक्टली। ओके, तो इस रोमांटिसिज्म के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन डार्क रोमांटिसिज्म का है। डार्क रोमांटिसिज्म बेसिकली वही गोथिक नॉवेल्स वगैरह जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। सो अच्छा जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास चार्ल्स लैम्ब है इन प्रोज राइटिंग, जो कि प्रोज राइटर्स हैसलेट है, डिक्वेंसे है, लैम्ब है। सो लैम्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा लवेबल, ऑनेस्ट और हम्बल पर्सन था। इसकी सिस्टर को कोई मेंटल आरजा था, she was not mentally fit, तो इसने कभी शादी नहीं की। heroic struggle की इसने misfortunes के against, और इसकी writing style जो था bit obscure था, थोड़ा सा पढ़ने में difficult था। एलिया के नाम से ही अपने essays लिखता था, pen name इसका John एलिया था, और ये इसके important works हैं जो prose में हैं, essays of एलिया, last essays and tales from Shakespeare। next we have gothic novels, जिसको हम romantic fiction में लेके आते हैं। So this is basically dark romanticism, which is a literary subgenre of romanticism. So this is basically about demonic or grotesque kind of images, जिसको gothic fiction भी कहा जाता है, और ये जो है 18th century के अंदर we saw के। And he is known as the prince among English essays.
चार्ल्स लैम, यस। तो ये रोमांटिक जो फिक्शन था, इसमें वी गेट टू सी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वर्क्स लिखे, और इसमें एक हॉरर एक जो फिक्शन है वो सामने आई। सो मैरी शेली का जो फ्रैंकनस्टाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहा, जो कि अक्सर बाद में भी मुख्तलिफ लिटरेचर और कार्टून्स उसमें ये कोट किया गया, बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज भी बनी इसके ऊपर। सो मैरी शेली जो कि शेली की वाइफ थी, उसका ये इंपॉर्टेंट वर्क था फ्रैंकनस्टाइन। सो इस जमाने में ये जो हॉरर नॉवेल्स थे, इनकी इब्तिदा हुई थी। अब जो नॉवेल्स से बेसिकली हमने पढ़ा कि पिछली एज में, यानी एज ऑफ रीजन में स्टार्ट हो चुके थे। ये जो प्री विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी जेन ऑस्टन, इसका क्या रोल था कि इसके जो नॉवेल्स थे, इनको कहा जाता था ड्राइंग रूम स्टोरीज। ये ड्राइंग रूम स्टोरीज थे इसके नॉवल, क्योंकि ये जो लिखती थी तकरीबन वो रोजमर्रा की कहानियां जो हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, यानी इसको लिमिटेड रेंज भी कहा जाता है, इसकी 2 इंचेस ऑफ आइवरी भी कहा जाता है कि रेंज लिमिटेड थी। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिखा इसने, कभी कोई दूर दराज मुल्कों में क्या हो रहा है नहीं लिखा। शी ओनली टॉक्ड व्हाट शी न्यू, तो एक मिनिएचर वर्ड थी उसकी, यस बिल्कुल ठीक। और वो उस वर्ड के अंदर बेसिकली डोमेस्टिक लाइफ के बारे में और इश्यूज जो देखती थी, वो इश्यूज कंसर्न्ड होते थे ज्यादा मनी और मैरिज से, क्योंकि लोग जो थे वो ज्यादातर पैसा और शादी, ये मेजर थीम्स थे उसके नॉवल के अंदर। इसके अंदर हमेशा एक खातून होती थी जिसकी 3-4 बच्चियां और वो उनकी शादी के चक्रों में पड़ी है, क्योंकि ये होता था कि उस जमाने में अगर तो खातून की औलाद मेल नहीं है तो वो सारी की सारी दौलत जो थी वो चली जाती थी फीमेल, सॉरी जो करीबी मेल रिलेटिव होता था उसको, अनलेस की बेटियों की शादी हो। तो खातून हमेशा इस कोशिश में होती थी कि बेटियों की शादी हो जाए। तो तकरीबन ये इसकी स्टोरी थी। यस, मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी वजह से वो क्लास एक सिस्टम एक डेवलप हुआ, इसको बड़ा एक क्लास वो जो एक कंपैरिजन है वो इसके नॉवेल्स में हमें नजर आता है। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसके। अब इसमें वी गेट टू नो के इसमें जो नॉवल के लिए इसने वो किया जो लेक पोइट्स ने, यानी कॉलेज ऑफ वर्ड्स वर्थ ने पोइट्री के लिए किया, यानी उन्होंने पोइट्री को रिफॉर्म किया और पोइट्री को खूबसूरत बनाया, आम इंसान के लिए उसकी रीच में बनाया। सेम वॉज केस विद जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन से पहले जो नॉवल लिखे जा रहे थे, यानी पैमिला शैमिला ये वो सारा कुछ, उनमें बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत थी जो कि जेन ऑस्टन ने आके की। दो इसका थीम ब्रॉडर नहीं था, दो शी इज एट्रीब्यूटेड एज 2 इंचेस ऑफ, दो शी इज राइटिंग ड्राइंग स्टोरीज, लेकिन येट उसने जो नॉवेल्स के अंदर खूबसूरती पैदा की, शी बेसिकली रिफॉर्म द नॉवेल्स। और इसकी जो नॉवेल्स हैं 6 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, जिसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैनफील्ड पार्क, एमा, पर्सुएशन एंड नॉर्थ एंगर एबे, ऑलमोस्ट मिलती जुलती स्टोरीज, थीम्स और सिंबल्स, लेकिन ऑल ऑफ देम आर हैविंग वेरी इफेक्टिव प्रिजुएसिव कैरेक्टर्स, वेरी कन्विंसिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। सो ये इसके नॉवेल्स जो हैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, डू वॉच देम। प्राइड एंड प्रेजुडिस की तो इंडियन मूवीज भी बनी, कॉमेडीज भी बनी, हॉरर भी बनी, बहुत उसके ऊपर काम हो चुका है। एंड देन वॉल्टर स्कॉट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट था प्री विक्टोरियन, लेकिन इसमें यू डोंट नीड टू फोकस ऑन हिज वर्क्स मोर। सो ये जो थे हमारे पास, ये थी रोमांटिक एज, जो कि अच्छी खासी दो बड़ी एजेस थी, वी हैव कवर्ड दम। नाउ लाइक गोइंग टू द लिटरेचर पोर्शन। अच्छा, अब लिटरेचर पोर्शन में हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो हमें कवर करनी है। सो एक को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं और बाकी मैं आपको समरी बताता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उस चीज को पढ़ा हुआ ऑलरेडी, दैट इज ईडीपस रेक्स। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्रीक थिएटर, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ग्रीक ट्रेजेडी एंड थिएटर,
Okay, hope slides are visible. Yes, sir. Okay, question aya anti-romantic. Nee, anti-romantic baad mein tha, ye 20th century ek movement hai jo romanticism ke against aayi thi. Okay, so Greek theater. So slides aapko bhej dunga. So in the beginning of the slides, as you can see that there are so many timelines given ki kon kab paida hua, kya hua. So ye aap isko detail mein aram se pad sakte hain. So hum jo hai basically yahan se isko dekhenge. पार्ट्स ऑफ ग्रीक थिएटर, ग्रीक थिएटर के पार्ट्स क्या होते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा आजकल म्यूजिकल उस एक कंपोजिशन को कहते हैं, लोगों की उस ग्रुप को कहते हैं. तब ये ऑर्केस्ट्रा एक सर्कुलर किस्म की डांसिंग स्पेस हुआ करती थी और यहाँ पे कोरस डांस करता था, सिंग करता था और बाकी एक्टर्स से जो कि स्टेज पे स्क्रीन के पास होते थे उनसे इंटरेक्ट करता था. थिएटर एक और प्लेस है, ये वो जगह है जहां पे ऑडियंस बैठती थी और वहां पे बैठ के व्यू करती थी ड्रामा को. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ये ऑडियंस जहां बैठी दैट इज कॉल्ड थिएटर. और ऑर्केस्ट्रा ये आपके सामने नीचे ऑल्टर लाजमी होता था जहां पे ग्रीक गॉड के चढ़ावे चढ़ते थे. साथ आप देख रहे हैं पैराडोस, ये दो एंट्रेंस और एग्जिट्स होते थे और नीचे स्कीन है. स्कीन इज अ टेंट जहां पे बैक स्टेज समझ लें. तो ये ऑर्केस्ट्रा स्टेज, स्कीन इज बैक स्टेज जिसके फ्रंट पे यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा और उसकी वॉल पे ये बेसिकली मेन स्टेज होता था. ये सात जो छोटे छोटे दरवाजे नजर आ रहे हैं ये उस बिल्डिंग के दरवाजे होते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महल दिखाए तो ये उसके डोर्स होंगे. उसके ऊपर जो पैराडोस एंट्रेंस लिखी नजर आ रही है ये एंट्रेंस होती थी उन लोगों के लिए जो कि कहीं बाहर से आते थे, कोई मैसेंजर्स किसी और मुल्क के या कोई बाहर का बंदा जो पैलेस के बाहर से दिखाया गया वो यहां से एंटर होता था. सो स्क्रीन इज अ टेंट जो कि स्टेज के पीछे होता था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्टर्स तैयार होते थे और सेकेंडली यहाँ पे ये था कि लोग जो ट्रेजिडीज होती थी ग्रीक ट्रेजिडीज अंटिल शेक्सपियरियन एज, यहाँ पे जो ट्रेजिडीज थी ये हमेशा ऑफ स्टेज होती थी. कभी भी कोई मौत स्टेज पे नहीं दिखाई जाती थी तो वो सारी स्क्रीन में होती थी. पैराडोस जो है वो रास्ते हैं जहां से कोई बाहर के लोग आते थे, मर्चेंट्स मैसेंजर्स. अच्छा जी, अब ये एंशियंट ग्रीक थिएटर ये क्या था. ये गॉड डायोनिसस जो कि ज्यूस का बेटा था, सुप्रीम ग्रीक गॉड का जिसे जुपिटर कहा जाता है रोमन माइथोलॉजी में, उसके बेटे डायनेसिस की हवाले से डायनेजिया एक सिटी, उसमें ये फेस्टिवल हुआ करता था और इस फेस्टिवल में उस गॉड को वेलकम करते थे. बहुत ज्यादा शराब पी जाती थी और इसको डायनोजिया फेस्टिवल भी कहा जाता था. सो ट्रेजेडी जो है ट्रेगोस दो वर्ड यानी गोट सॉन्ग, इसका मीनिंग है गोट सॉन्ग. ट्रेजेडी जो थी ये बेसिकली उस जमाने में इस फेस्टिवल में सारे ये जो राइटर्स थे इनका कंपटीशन होता था. ये लोग दो ट्रेजेडीज और एक कॉमेडी ये प्लेस परफॉर्म करते थे. ईच एरिपिडीज फोकलीज एस्किलस ये सारे लोग अपने अपने राइट एक्ट को लेके आते थे. परफॉर्मेंस होती थी, जो विनर होता था उसे गोट बकरी तोहफे में मिलती थी. छोटा गोश्त अभी बड़ा मशहूर है, महंगा है तो उस जमाने में भी महंगा ही होता होगा. तो वो छोटा गोश्त यानी बकरी उनको तोहफे में दी जाती थी विनर्स को. तो बड़ा एक हैंडसम गिफ्ट समझा जाता था, ये प्राइज समझा जाता था. सो उससे भी ज्यादा लोगों की जो पजीराई मिलती थी उसके लिए लोग आते थे, अपने अपने मुख्तलिफ एक्ट्स पेश करते थे. ट्रेजेडी कॉमेडी और सैटर प्लेज ये शुरू में बड़े मशहूर थे. थेस्पिस जो है उसे कहा जाता है ही वॉज फादर ऑफ ट्रेजेडी. अब थेस्पिस कौन था. थेस्पिस वॉज अ राइटर बट प्राइमरीली ही वॉज एन एक्टर. So, वो फाउंडिंग फादर था ड्रामा का एज एन एक्टर और उसके बाद आने वाले जो एक्टर्स थे उनको थेस्पियंस कहा जाता है जो कि ट्रेजेडी को परफॉर्म करते थे. इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है. थेस्पियंस इज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एज पर एज परफॉर्मेंस कंसर्न्ड, बट एस्किलस इज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एज पर एज राइटर इज कंसर्न्ड. सो एज अ राइटर हम पूछा गया
तो हम कहेंगे एस्किलस है, या अगर एज अ परफॉर्मर पूछा गया तो हम कहेंगे इट इज थेस्पेस। ओके, फर्दर मोर एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, मास्क हमारे पास उसमें आए। अब मास्क का बेसिकली क्या रोल था, ये ऑल विल बी सेंड टू यू, यू कैन रीड ऑल द डिटेल्स गिवन हियर और पॉसिबल ये आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे कि कॉमेडी ट्रेजेडी कैसे आई। सो कॉमेडी और ड्रामा यानी ट्रेजेडी जब मिक्स हुई तो उसे ट्रेजाय कॉमेडी का नाम दिया गया, जो कि थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट हुई। मास्क वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मास्क क्यों इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो फीमेल्स थी उनके रोल भी तकरीबन मेल प्ले करते थे तो वो मास्क के पीछे छुप जाते थे। फिर सेकेंडली एक्सप्रेशन जो थे राइटर्स एक्टर्स के वो लोगों के सामने नहीं आते थे प्रॉपरली, क्योंकि देखें जब एक जगह पे प्ले परफॉर्म हो रहा है, एक बंदा तीन तीन प्ले परफॉर्म कर रहा है, एक लिमिटेड टीम लेके आए, वो बंदा मुख्तलिफ रोल कर रहा है एक प्ले के अंदर, वही शायद किंग है, वही शायद मैसेजर है, तो वो उनको एक तो अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती थी ड्यू टू नंबर ऑफ पीपल। प्लस फिर अगर आपने थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आप लेके आए तो जरूरी नहीं कि हर बंदा एक्टर है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इस काबिल नहीं होते थे, तो वो लोग अपने एक्सप्रेशन को छुपाते थे मास्क में। कई बड़े हॉरिबल किस्म के मास्क से, कई बड़े फनी मास्क से, तो कई कई मास्क से जो कि उनके उन सिचुएशन या उनकी सोशल स्टैंडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट होते थे। सो ये बेसिकली म्यूजेस दो इंपॉर्टेंट थी जिसके हवाले से हम बात करते हैं, जो ग्रीक गॉड ज्यूस की। थालिया जो थी वो म्यूज ऑफ कॉमेडी थी, जिससे इंस्पिरेशन लेते थे कॉमेडी कॉमेडी राइटिंग करने वाले। और मालफमी जो थी शी वॉज म्यूज ऑफ ट्रेजिडी, डॉटर ऑफ ज्यूस और वन ऑफ द म्यूजेस, सो शी वॉज म्यूज ऑफ ट्रेजिडी, जिससे ट्रेजिक जो राइटर्स ट्रेजिडी लिखने वाले उससे इंस्पिरेशन लेते थे। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ग्रीक स्टेज, ग्रीक ड्रामा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये तकरीबन 550 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा ग्रीस में ये प्रेजेंट होते थे, और ग्रीक फेस्टिवल डायनोजिया में ये परफॉर्म होते थे। डायनोसिस वाज गॉड ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन एंड वाइन मेकिंग। ट्रेजेडीज वर ओनली वंस परफॉर्म्ड। ऑल एक्टर्स वर मेन, सब लोग मर्द थे इसलिए वो मास्क भी पहनते थे। गोल्डन एज थी ग्रीक ड्रामा की और इसमें कॉम्पिटिशन होता था। एंशियंट ग्रीक जो थे वो मॉडर्न प्लेस मॉडर्न ओपरास की तरह थे, जैसा कोरस होता था 12 से 15 लोगों का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि नॉर्मली 12 से 15 लोग होते थे जो सिंग और डांस करते थे। कोरस का जो लीडर होता था उसको खोरेगस कहा जाता था, CHORGOS, CHORGOS, खैरोगस। और इसमें जो शुरू में एक एक्टर था, बाद में दो हुए, तीन हुए, जो मेन एक्टर स्टेज पे होते हैं, यानी एस्पेस था वो अकेला एक्टर था, उसके बाद एस्किलस दूसरा लाया, स्पोकलीज तीन एक्टर लेके आया स्टेज के ऊपर। सो कॉस्ट्यूम्स में मास्क सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि मुख्तलिफ मटीरियल से बनाया जाता था। सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे एलिमेंट्स के, एक मोनोलॉग होती थी जो कि प्रोलॉग जिसे कहा जाता था हर प्ले से पहले, और उसमें फिर क्या होता था कि कोरस सेंटर होता था, वो ट्रेजेडी का टॉपिक बयान करता था पैराडॉक्स में, जो कि उनका एंट्रेंस सॉन्ग होता था। फिर उसमें जो ये कोरस की एक मूवमेंट होती थी, कोरस जो था स्ट्रॉफी करता था, यानी राइट से लेफ्ट जाता था तो उससे स्ट्रॉफी कहा जाता था, यानी और जब वो लेफ्ट से राइट जाते थे आल्टर से उसे एंटी स्ट्रॉफी कहा जाता था, और जब कोरस एक जगह पे खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर बात करता था या गाता था उसे इपोट कहा जाता था, जो कि तकरीबन गाने के बाद होता था। सीन्स होते थे जिसमें मुख्तलिफ सीन्स होते थे, 3 to 5 सीन्स एक प्ले के अंदर। और पीएन जो कि कोरल ओड होती थी, जो कि डायोनिसिस की शान में गाई जाती थी। और एक्सिडस वॉज एन एग्जिट ओड, जो कि प्ले के खत्म होने के बाद कोरस की लास्ट एपिसोड में एक सॉन्ग या स्पीच होती थी। ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट कैरेक्टर्स थॉट डिक्शन सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल, ये उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे।
जिसमें अरिस्टोटल के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट था और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्टिकल था। स्पेक्टिकल मीन नजारा, सीन, बैकग्राउंड, जिसकी तरफ उसने सबसे कम तवज्जो दी। सेस्पिस के टाइम पे एक एक्टर स्टेज पे होता था, एस्किलस ने अपने वर्क्स में दो एक्टर्स, स्फोकलीज के वर्क्स में तीन एक्टर्स और एरिपिडीज के टाइम में फीमेल प्रोटैगनिस्ट को भी चांस मिला, जैसा इलेक्ट्रा प्ले में फीमेल प्रोटैगनिस्ट सामने आई, पहले मेल प्रोटैगनिस्ट को ही लाया जाता था। ये अलग बात है कि उसे शो उसका रोल शायद फीमेल ही कर रहा हो। प्लीज में देखते हैं पीपल्स रेक्स में एक टाइम में ये तीन एक्टर्स का मतलब ये नहीं कि पूरे प्ले में तीन एक्टर हैं, एक टाइम पे स्टेज में तीन मेन एक्टर होंगे। जिस तरह एक टाइम पे या क्रियोन है जो कैस्टा है और ओडिपस है, या फिर एक टाइम पे थियरिसियस है, क्रियोन है और ओडिपस है, इस तरह। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीक थिएटर। नाउ कमिंग टू टू इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि एक ही सीरीज में है, जिसमें आपको मैं कुछ वो बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि शायद आप में से कुछ ज्यादा लोगों को ना पता हो, बाकी यू पीपल आर वेल लर्नड बिकॉज दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑल द सिलेबस ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ईडीपस रेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रेक्स। किंग सर। सॉरी, किंग। किंग, अच्छा, और किंग विद अ स्वॉलन पॉ, दैट इज बेसिकली किंगशिप। यस सानिया, वेरी गुड। किंगशिप यानी दौरे हुकूमत, ईडीपस का दौर, ईडीपस की बादशाहत। ये दोज़ हू वर आस्किंग अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी, यस यू नीड टू पे अटेंशन, क्योंकि जो ग्रीक गॉड्स हैं They're really very important. ये बहुत important होते हैं। इसमें ज्यूस सबसे सुप्रीम गॉड है, उसकी फिर आगे पूरी फैमिली है, जिसके अंदर अपोलो उसका बेटा है, हेरा उसकी वाइफ है, माउंट ओलंपस पे ये 12 ओलंपियन गॉड्स रहते हैं, जो कि 12 ओलंपियन गॉड्स हैं, और इन गॉड्स को हर एक को मुख्तलिफ ड्यूटी है, म्यूजिक, प्रोफेसी और जो है सन, ये अपोलो के पास है। हेरा जो है, सॉरी, आर्टेमिस हंट्रेस है, एफ्रोडाइटी ब्यूटी की है और विजडम वगैरह, इससे ये मुख्तलिफ लोगों में ये चीजें बांटी गई हैं। सो ये ग्रीक गॉड्स के अंदर कुछ चीजें एलिमेंट बांटे गए हैं। मिथ्स स्टोरीज होती हैं जो कि साल साल, ट्रेडिशन ट्रेडिशन, डेकेड से, सेंचुरी से चलती आ रही हैं, जिन पे लोग बिलीव करते हैं, हालांकि रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये गॉड एंड गॉडेसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट In that way, अच्छा सर, सर, yes, सर, जो रेक्स है उसको वर्डली मीनिंग तो किंग ही बनता है। yes, किंग ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम वो किंगशिप में आएगा। ओके सर, ये उसका दौरे हकूमत है बेसिकली, रेनिंग किंग कह लो, रेनिंग किंग या शहनशाहत। ओके सर, ओके, सो अब इसका जो बेसिकली ये लोग डिस्कस किए गए हाइपीरियन में, हाइपीरियन में दोनों फोर्सेस डिस्कस की गई, टाइटंस भी जो कि गॉड्स से पहले होते थे और फिर गॉड्स जो कि उनकी औलाद में से जिन्होंने उनको ओवरथ्रो किया था। जी आयशा रऊफ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर, वी आर टोल्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ ईडिपस रेक्स दैट इट मींस स्वॉलन फुट, हैविंग स्वॉलन फुट, देन हाउ कैन वी से दैट रेक्स मींस किंगशिप और रेनिंग किंग? Oedipus Rex का मतलब swollen foot नहीं है, Oedipus का मतलब swollen foot है। Yes, the word Oedipus. जी, और वो इस वजह से कि जब ये पैदा हुआ तो prophecy थी कि अपने बाप को मारेगा, माँ से शादी करेगा, तो इसके parents ने इसको मरने के लिए ऊपर फेंक दिया पहाड़ पे, पांव से जंजीरें बांध दी पत्थर के साथ, तो उसके पांव सूज गए। So this happened. Just have a very quick summary of Oedipus Rex. इसको मैं आपको chronological order में बता देता हूँ। Chronological order में क्या हुआ के सबसे पहले बेसिकली जो था हमारे पास ये कैडमस। सो कैडमस वाज अ पर्सन ग्रीक माइथोलॉजी में जो फोनिक्स के फोनिक्स का या एजनर, दोनों नाम है, फनीशिया का किंग उसका बेटा था और यूरोपा का ये भाई था कैडमस। तो उसने
उसकी सिस्टर यूरोपा को जूस उठा के ले गया, और जो कि किंग ऑफ गॉड्स था, तो कैडमस को अपनी बहन को ढूंढने के लिए भेजा गया। वो ओरेकल पे गया तो ओरेकल ने उसे कहा कि तुम उसे छोड़ो, तुम जाओ एक काउ को फॉलो करो और वहां पे एक टाउन बनाना। वो काउ के पीछे चल, जहां पे वो थिब के इलाके में आया जहां पे उसने थिब सिटी बनाना था। फिर वहां पे एक ड्रैगन था जिसने जिसको इसने मारा, उसके दांत जमीन में काट दिए और वहां से फोर्सेस निकली, लोग निकले जो आपस में लड़े, और फिर उनमें से काफी मर गए और बहुत थोड़े लोग बाकी रह गए। जो बहुत थोड़े लोग बाकी रह गए उनके जरिए इसको हुक्म हुआ ओरेकल की तरफ से कि यहाँ पे अब सिटी बसाओ, तो उसने वहां पे ये सिटी बसाया जिसको थिब्स सिटी कहा जाता है। तो ये रॉयल लाइन है थिब्स की, इन लोगों की, जिसमें कैडमस जो है फाउंडिंग फादर है, उसका बेटा पॉलिडोरस, उसका बेटा लेब्डिकस, देन लायस एंड देन ईडिपस। अब इसमें हम देखते हैं बेसिकली कि ये जो हमारे पास लाइन आई, इसमें वही कैडमस, उसका बेटा पॉलिडोरस था, उसका बेटा लेब्डिकस था। सो लेब्डिकस के मरने के बाद रेन चेंज हुआ और लायस जो छोटा था ये डर के कहीं भाग गया किसी और किंग के पास। वहां पे इसने कुछ बुरी हरकत की उसके बेटे के साथ, तो इस पे कर्स हो गया कि तुम ऐसी औलाद को जन्म दोगे जो तुम्हें मारेगी और तुम्हारी बीवी से यानी अपनी माँ से शादी करेगी। ईडिपस पैदा होता है जब ये किंग बन जाता है लायस अगेन। सो लायस और जो कैस्ट्रा का बेटा ईडिपस पैदा होता है। अब ईडिपस को ये मरने के लिए ऊपर छोड़ देते हैं, इसके पांव सूज जाते हैं, तो एक जो चरवाहा तर्स खा के उसे किसी और चरवाहे को दे देता है। वो उसे ऐसे किसी और मुल्क ले जाता है जहां का किंग पॉलिबस, जिसकी औलाद नहीं होती, वो ईडिपस को पाल लेता है और बड़ा खुश होता है। ईडिपस बड़ा होता रहता है कि अचानक वहां पे पता चलता है कि ये जो है बंदा यानी एक ड्रंकन पादरी, वो नशे में कह देता है कि तुम इस किंग की औलाद नहीं हो। तो वो अपने माँ बाप से उलझता है, माँ बाप उसको बताते हैं कि नहीं ये गलत कह रहा है, तुम हमारी बेटे हो। उसको समझ नहीं आती, वो जाता है ओरेकल के पास। ओरेकल बजाय उसके कि उसके सवाल का जवाब दे, वो उसको ये कहती है कि तुम अपने बाप को मारोगे और माँ से शादी करोगे। सो ईडिपस जो है इस चीज की वजह से डरते हुए वापस अपने इलाके में नहीं आता, तो वहां से एक नए रास्ते पे जाता है जो कि रास्ता थिब्स को जा रहा है। अब वहां पे आगे से एक प्रोटोकॉल अमला आ रहा होता है जिसमें किंग होता है थिब्स का, जो कि उसका बाप होता है। दोनों की अकड़ होती है, लड़ाई हो जाती है। ईडिपस बड़ा पावरफुल होता है, तो ईडिपस जो है उन सारे लोगों को मार देता है इंक्लूडिंग हिज फादर। उसका एक बंदा भाग जाता है वहां से जो कि बाद में एंड में दोबारा आएगा। तो ईडिपस उसके बाद जाता है, उसके बीच में ये होता है कि सिटी की उस एंट्रेंस पे एक मॉन्स्टर आके बैठ जाता है जिसको स्फिंक्स कहते हैं। तो जो स्फिंक्स है वो बड़ा जालिम होता है। स्फिंक्स का बेसिकली क्या काम होता है कि वो उन लोगों से आके क्वेश्चनिंग करता है जितने भी वहां पे लोग मौजूद होते हैं उनसे, कि व्हाट इज द थिंग दैट मूव्स ऑन फोर लेग्स इन द मॉर्निंग, टू इन द डे एंड थ्री इन द नाइट या इवनिंग। तो सारे लोगों को मारता रहता है। Meanwhile, जब ईडिपस वहां पहुंचता है तो ये ऑर्डर हो चुका होता है कि जो इसको मारेगा, क्योंकि उन्हें पता किंग मर चुका होता है, वो क्वीन से शादी करेगा और किंग बनेगा। सो वो आके उसके सवाल का जवाब देता है ईडिपस कि ये इंसान है, सुबह के वक्त बच्चा होता है, क्रॉल करता है, दिन के वक्त यंग होता है, दो टांगों पे चलता है, और शाम के वक्त बूढ़ा होता है, तो एक स्टिक लेके चलता है। स्फिंक्स अपने आप को मार देता है, ईडिपस सिटी में एंटर होता है, किंग बन जाता है। उसके बाद उसी खातून जो कि उसकी माँ होती है उससे शादी करता है, बच्चे भी पैदा होते हैं इसके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिटी में वबाएं फैलना शुरू करती हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हर बंदा परेशान होता है उस बात पे कि अब हम इसका क्या करें, क्या किस तरह वबाओं से छुटकारा पाए। ईडिपस जो है वो क्रियोन अपने साले या अपने मामू उसको कहता है कि जाके इसका हल निकालो, तो वो लेके आता है कमांडमेंट डेल्फी से कि गॉड कमांड्स अस टू एक्सपेल फ्रॉम द लैंड ऑफ थेब्स एंड ओल्ड डिफाइलमेंट दैट इट सीम्स वी शेल्टर। कोई बुराई हमारे अंदर है जिसको हम जब तक निकाल नहीं देंगे फायदा नहीं होगा। ईडिपस कसम खाता है कि जो भी वो बंदा है, वो बेशक मेरा मेहमान क्यों ना हो, उसको मैं इस शहर से निकालने का हुक्म देता हूं, जैसे उसको पता चले उसे इस इलाके से जला वतन कर दिया जाए। खैर, उसके बाद एक सीयर को बुलाया जाता है जो कि टियरिसियस है, जो ब्लाइंड सीयर है। टियरिसियस आता है
बेसिकली थियोरिसियस ब्लाइंड सीयर है और इडिपस जो है वो सीइंग ब्लाइंड है. इडिपस देखते हुए भी चीजें नहीं देख रहा और थियोरिसियस ना देखते हुए भी सारी चीजों को जानता है. थियोरिसियस उसकी बात का जवाब नहीं देना पसंद करता, वो उसे उलझता है और उसके बाद वो कहता है कि यस तुम ही इस इलाके की डिफाइलमेंट हो. यस मिस जुनैरा आपने ठीक है, जैसा लोग कहते हैं कोविड हमारी बुरे अमाल का नतीजा है, इसी तरह वो इडिपस के बुरे अमाल का नतीजा था जो कि वहां पे हो रहा था. खैर इडिपस को गुस्सा आता है कि थियोरिसियस उस पर इल्जाम लगा रहा है और उसको फिर ये लगता है कि क्रियोन और थियोरिसियस ने मिलकर ये स्कीम बनाई. चूंकि मैं कह चुका हूं कि जो बंदा होगा उसे निकाल दिया जाए, अब ये मेरा नाम लेंगे, मैं किंग हूं, मैं निकल गया तो फिर जारी बात है क्रियोन किंग बनेगा. उसे बड़ा गुस्सा आता है कि ये दोनों मिले हुए हैं. खैर क्रियोन और जो कैस्टा उसको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी बात नहीं है. मीनवाइल ये होता है कि एक खबर आती है जिसे पता लगता है कि पॉलीबस जो कि इसका मुंह बोला बाप है वो मर चुका है. तो ये बड़ा खुश होता है कि चलो मैंने उसको नहीं मारा, वो अपनी वजह से मारा, इसका मतलब मैं ये प्रोफेसीज गलत हैं. जो कैस्टा कहती है तुम क्यों प्रोफेसीज को मान रहे हो, मैंने भी सुना था कि एक जो मेरा जो बेटा है वो मेरे हस्बैंड को मारेगा और मुझसे शादी करेगा, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो तो वहां पे मरा था जहाँ पे तीन सड़कें मुड़ती हैं और कुछ डाकुओं ने उसको मारा. एडिपस को थली मर जाती है कि यार मैंने भी कोई ऐसी हरकत की हुई है इसी जगह, लेकिन उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि डाकुओं ने मारा, राहजनों ने, मैं अकेला था. बल उसके बाद ये होता है कि इसको पता लगता है कि एक मैसेंजर आके बताता है कि भाई तुम परेशान ना हो, तुम तो उसके बेटे नहीं हो पॉलीबस के, ना मेरोप तुम्हारी मदर है उसकी वाइफ, तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते. अब इसको फिर टेंशन हो जाती है. फिर मैसेंजर्स आते हैं जिसमें फाइनली वही मैसेंजर आता है जिस जो कि बच जाता है इन सारे, जब ये अपने बाप को मार रहा होता है तो वो आके टेस्टिफाई करता है कि एडिपस वही बच्चा है जिसको एक दूसरे इलाके में दे दिया गया, ये जो कैस्ट्रा का बेटा है. जो कैस्ट्रा को मीनवाइल पता चल चुका होता है कि सारा कुछ हमारा किया धरा है और वो जाके अपने आप को फांसी पे लटका लेती है. एडिपस उसके पीछे भागता है और उसके ब्रूचिस से अपनी आंखें फोड़ देता है, नाबीना हो जाता है और उसे फिर उस शहर से निकाल दिया जाता है. सो ये वो सीन है जब एडिपस ने अपनी आंखें निकाल दी और इसके ऊपर उसकी बेटियां एंटिगनी और इज्मिनी वो उससे लिपटी हुई हैं और ये अब ये दो उसके बेटे हैं जिसमें एटकलस और फलेनाइसिस वो उसके साथ हैं. ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आपको वैसे पता होनी चाहिए. एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ये मैं आपको भेज दूंगा. सो ये इसमें कुछ ये बढ़िया आप देखेंगे तो यू विल एबल टू नो, ये बड़ी इजीली आपको ये इसको समझने में मदद देंगी ये जो एनिमेटेड किस्म की पिक्चर्स हैं. नाउ कमिंग टू द सीक्वल ऑफ इट, इसके अंदर एक और जो चीज थी उसको हमने स्किप कर दिया जो कि जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है. वी आर फोकसिंग ऑन एंटिगनी जो कि इसी का एक प्ले है थर्ड पार्ट. सो इस एंटिगनी में वी सी के एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसकी भी हम एक क्विक समरी कर लेते हैं. सो इस पिक्चर में ये जो नीचे आपको एक मिनट ही मैं स्क्रीन शेयर कर दूं. ओके सो यू कैन सी द पिक्चर. ये जो लड़की है ये एंटिगनी है जो एडिपस की बेटी है और जो नीचे बंदा मरा पड़ा है ये इसका भाई है पॉलीनाइसिस. ओके एंटिगनी जो है वो उसकी शादी तय पाती है किंग जो क्रियोन है उसके बेटे हाइमन के साथ. अब इशू ये होता है कि जो पॉलीनाइसिस और एटिकलस जो कि दोनों बेटे होते हैं एडिपस के, उन दोनों में तख्त की जंग शुरू हो जाती है और दोनों किंग बनना चाहते हैं. एटिकलस जो होता है वो फेवर कर रहा होता है क्रियोन को और फलेनाइसिस एडिपस की तरफ से है. सो ये होता है रिजल्ट कि दोनों ड्यूल में एक दूसरे को मार देते हैं. तय ये पता है कि जो पॉलीनाइसिस है वो स्टेट यानी गद्दार है और एटिकलस जो है वो स्टेट के लिए मरा तो वो शहीद है. तो उसकी वजह से एक यानी बड़ा अच्छा बैरियल दिया जाता है, बड़ी अच्छी तरह दफनाया जाता है एटिकलस को एजाजों के साथ.
लेकिन जो पोलिनाइसिस है उसको रॉट होने के लिए उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। अब एंटिग्नी जो है, एंटिग्नी बहुत ज्यादा हद तक परेशान होती है कि इसको यानी मेरा जो भाई है, एक को तो दफना दिया गया लेकिन एक को डिसऑनर किया जा रहा है, तो वो अब कोशिश करती है कि वो अपने भाई को दफनाए। एंटिग्नी की शादी तय पाई होती है क्रेयोन के बेटे हाइमन के साथ, कि हाइमन जो है वो उसको बेसिकली प्यार भी करता है, पसंद भी करता है। सो इनमें जो इनकी मदर है यूरिडिसी, सो यूरिडिसी जो है उस पूरे प्ले में वी सी कि वो कुछ ना कुछ निटिंग कर रही होती है, एज इफ शी इज निटिंग हर ओन फेट। सो हम इसमें देखते हैं कि एंटिग्नी अपनी सिस्टर से बात करती है, सिस्टर डर जाती है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, बहरहाल वो खुद तैयार हो जाती है क्योंकि इफ यू आर नॉट विलिंग देन आई विल डू इट माइसेल्फ। वो अपने भाई की लाश को बैरी करने के लिए जाती है और अचानक इतला आती है कि किसी ने उसकी लाश को दफनाने की कोशिश की है। अब जो गार्ड्स होते हैं उनको क्रेयोन डराता है कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम में से कोई निग्लेक्ट करे अपनी ड्यूटी को तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। सो गार्ड्स को कोई ना कोई अचानक सुराग मिल जाता है कि ये जो कर रहा है काम, ये एंटिग्नी है जिसने अपने भाई को दफनाने की कोशिश की। अब एंटिग्नी क्रेयोन की बहू बननी होती है, उसको बड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन उसको समझाता है कि तुम बंदी बन जाओ और आज के बाद ये काम ना करना, वो स्टेट क्रिमिनल है, स्टेट रेबल है और ये रेडिकल है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी रहती है कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मैं अपने भाई की लाश को दफना कर रहूंगी। क्रेयोन उसकी बाजू पकड़ता है, उसे हर्ट करता है, लेकिन वो उसमें अब ना उसके बारे में सोची होती है ना उसके बेटे के बारे में सोची होती है। ऑल शी इज थिंकिंग अबाउट इज अबाउट हर ब्रदर जिसकी बॉडी को डिसऑनर किया जा रहा होता है। सो फाइनली जो क्रेयोन है उसको भी ये होता है कि ठीक है ये नहीं मान रही तो इसको सजा मिलेगी, क्योंकि अब बात शहर में फैल चुकी होती है कि जो इसकी मदद करेगा डेड बॉडी की वो भी क्रिमिनल है। तो वो एक तरह से एंटिग्नी क्रिमिनल मशहूर हो गई होती है। उसके बाद ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसको जो है मार दिया जाए। सो उससे पहले वो जेल में होती है और जेल में उसको काफी हद तक यानी गार्ड्स आसपास होते हैं, तो गार्ड को एक रिंग देती है कि ये रिंग ले लो और मुझे एक लेटर जो है वो लिखने दो। सो वो जो लेटर है वो लिखने की कोशिश करती है और वो लेटर होता है हेमन के लिए, तो ताकि वो उसे बता दे कि वो मरने जा रही है और वो उसे प्यार करती है लेकिन उसने अपने भाई के साथ जो था वो उसके लिए जरूरी था। सो उसमें ये होता है कि कोरस जो है वो उसके वो भी अपील करता है क्रेयोन से लेकिन क्रेयोन नहीं मानता। सो उसमें एंटिग्नी जो है उसको लटका दिया जाता है, लेकिन अचानक वो उसके आसपास खून नजर आता है तो वो देखते हैं कि हेमन जो उसका बेटा है वो भी वहीं पे है और उसने अपने आप को उससे लटका देख के कत्ल कर दिया, अपने आप को मार दिया। और जो यूडिसी है उसने भी निटिंग को खत्म किया और उसी सिलाई से अपना गला काट दिया, तो वो भी मर गई। सो क्रेयोन इज लेफ्ट अलोन और उसके बाद बिल्कुल अकेला रह जाता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एंटिग्नी एंड क्रेयोन व्हिच विल बी सेंट टू यू, सो यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स के इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या उनके अंदर कंट्रास्ट का लेवल हमें नजर आता है। तो ये ओडिपस की एक स्टोरी थी। नाउ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत हैवी किस्म का काम हमने कर लिया आज, इंपॉर्टेंट वन। अब एक थोड़ा सा जो है साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज इसको देख लेते हैं, विच इज फोनोलॉजी। तो इसमें थोड़ी सी चीजें जिसको हमने फोकस करना है बेसिकली। फोनोलॉजी क्या होती है? फोनोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सम पर्टिकुलर लाइक ऑफ सम पर्टिकुलर लैंग्वेज। फोनेटिक्स जो है, फोनेटिक्स इज फॉर एवरी लैंग्वेज। देखिए मैनर ऑफ प्लेस सेम है, यानी हमारे जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है यही मुंह होता है, यही नाक होता है, यही दांत, यही जुबान, यही एल्वियोलर रिज, यही हमारा लैरिंग्स, यही हमारा यूवुला, यही हमारे वोकल कॉर्ड्स, ये सारे काम आते हैं बोलने में, यही जुबान होती है, ठीक है। लेकिन इसमें
जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि फोनोलॉजी जो है वो हर लैंग्वेज की डिफरेंट है. वो किससे डिफरेंट है? पंजाबी की अलग फोनोलॉजी है, इंग्लिश की अलग है, उर्दू की अलग है. पंजाबी की फोनोलॉजी या उर्दू की क्या कहती है कि हम नॉर्मली सेकंड प्लेस पे स्ट्रेस करते हैं. वसीम अकरम, वसीम, वसीम, ठीक है. दोसत पंजाबी में कहते हैं, दोसत, मेरा दोसत आया, गोश्त लेके आया. गोश्त जड़ा ना स्कूले दे जाए, स्कूले, ठीक है, स्कूले. एंड मास्टर, मास्टर, ये सारा क्या, ये हमारा सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है नाउन का. इंग्लिश लैंग्वेज नाउन को ज्यादातर फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करती है. सो दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजिकल वेरिएशन. सो फोनोलॉजी जो है दैट इज डिफरेंट. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है फनीम. तो फनीम क्या है बेसिकली? हमारे पास 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में, जो कि हमने उस दिन डिस्कस की थी. 24 कॉन्सोनेंट्स, 20 वॉवल्स, तो टोटल ये 44 साउंड्स हैं. ये जो 44 साउंड्स हैं, ये बेसिकली 44 फोनीम्स हैं जो कि हमारे माइंड में हैं. मतलब वो जो सारी साउंड्स हैं, वो साउंड स्ट्रक्चर्स, इनके सिंबल्स हमारे माइंड में हैं. हमें पता है बैट कहना है तो ब अ थ, ये इसके हमारी साउंड्स है कि बी की साउंड आएगी, ए की आएगी, टी की आएगी, तो बैट बनेगा. फैट में सारा कुछ सेम रहेगा, बी की जगह पी की साउंड आ जाएगी. तो वो जो साउंड सिस्टम हमारे माइंड में है उनको हम कहते हैं फनीम्स. अच्छा, जब हम उनको बोल देते हैं सो दे बिकम फोन. फॉर एग्जाम्पल, अब ये साउंड है, इसके आगे मैं आपको लिख के दे रहा हूं. सो दिस इज अ साउंड. अब ये जो साउंड मैंने लिखी, दिस इज साउंड. इसका जो मेरा आइडिया मेरे माइंड में है कि हाउ टू स्पीक दिस साउंड, ये जो आइडिया मेरे माइंड में है दैट इज फनीम. उसको जो मैंने बोला, दिस इज फोन. सो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है दैट इज फनीम, और जो मैंने बोला दैट इज कॉल्ड फोन. सो दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन यू विल बी लिसनिंग टू इट इन रिकॉर्डिंग. आप बार बार जब इसको देखेंगे यू विल हैव एन आइडिया. सो फोन जो है वो बेसिकली एक उसकी प्रोडक्शन, यानी सेम साउंड की प्रोडक्शन जो कि आपके माइंड में. देन वी हैव एलोफोन. जहां पे नहीं समझ आए यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन. सो फोन और फोनेटिक यूनिट्स एंड दे अपीयर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. देन वी हैव एलोफोन्स. एलोफोन्स जो हैं, उनमें क्या है बेसिकली, ये फोन्स की एक वेरिएशन है. यानी जो हम साउंड्स बोलते हैं, एक साउंड की वेरिएशन. लाइक डार्क वर्ड को एक उसको बोलने का तरीका है स्टार, स्टार, ठीक है, स्टार, स्टार. अब आर एंड स्टार दे आर डिफरेंट इन प्रोनंसिएशन. एंड टेन और टेन और टेन ये डिफरेंट है. टार स्टार यानी वो टा था, यहां पे टेन 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 टेन. हमने छोटी सी हे लगा दी, एस्पिरेशन ऐड कर दी. जिस तरह मैं कहता हूं लाइक पोटैटो पोटैटो, किंग किंग, क्वीन क्वीन, क्विक क्विक, और फिर इसमें टूअर 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 टूअर, कैट कैट. तो ये जो ख है ये क का एलोफोन है, फ है ये प का एलोफोन है, ठ है ये ट का एलोफोन है. सो ये जो वेरिएंट है एक ही साउंड के, उनको हम एलोफोन्स कहते हैं. और ये हर एक साउंड के नहीं होते, बहुत थोड़ी साउंड्स के होते हैं. मतलब ट ठ दोनों साउंड सेम है, एक के अंदर थोड़ी सी एस्पिरेशन सांस ऐड की तो वो ट से ठ बन गया. सो दैट मेक्स एलोफोन. जी अब्दुल रऊफ एंड नोमान जी. सर ये हम जो एलोफोन बनाते हैं सिर्फ एस्पिरेशन से बनाते हैं या इसके अलावा कोई और वेरिएंट भी हो सकता है? एस्पिरेशन के अलावा कोई एग्जांपल दे दे. एस्पिरेशन के अलावा और वेरिएंट भी हो सकते हैं, जिस आप क्लासेस बस और उसमें टीम्स टीम्स क्लासेस, एक में आप ज पे एंड कर रहे हैं, एक में आप एस पे एंड कर रहे हैं, वो साउंड को तो डिफरेंट बना रहे हैं सेम लेटर की.
सर वो फिर साउंड डिफरेंट हो जाएगा, वो वेरिएंट डिफरेंट नहीं रहेगा ना? वेरिएंट तो डिफरेंट ही है ना, एक चीज का सेम का एक डिफरेंट वेरिएंट बन गया वो, लेकिन नॉर्मली जो है वो ज्यादातर होता है एलोमॉर्फ के अंदर, प्लूरल फॉर्म के अंदर। ये जो मैंने ज एंडिंग प्लूरल पे की या स एंडिंग प्लूरल पे की, वो ज्यादा एलोमॉर्फ में। एलोफोन में हमारे पास एक फोन के दो वेरिएंट्स हैं। देन वी हैव मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर क्या होते हैं? जब दो वर्ड्स सच एज पैट एंड बैट आर आइडेंटिकल इन फॉर्म एक्सेप्ट फॉर कंट्रास्ट इन वन फनीम, चूंकि एक ही पोजीशन पे अकर होता है, उसको हम मिनिमल पेयर कहते हैं। मतलब दो वर्ड्स आपके पास हैं, पैट बैट, पी ए टी बी ए टी, दोनों स्पेलिंग सेम है एक्सेप्ट फॉर वन चेंज इन द फर्स्ट वन, एक पे भ एक पे ब, यानी एक पे पी आ रहा है एक पे बी आ रहा है, बाकी उन दोनों के आगे पी ए टी बी ए टी यानी ए टी दोनों के आगे आ रहा है, और दोनों जो है वर्ड्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं सिवाय सिर्फ एक साउंड के। अगर वो एक साउंड भी आइडेंटिकल हो जाए तो वर्ड सेम हो जाए, लेकिन सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस है। तो इतना छोटा डिफरेंस जब होता है दो वर्ड्स का आपस में, तो उनको हम कहते हैं मिनिमल पेयर्स, कि दो वर्ड्स एक दूसरे के मिनिमल पेयर्स हैं, यानी काफी हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे से। देन वी हैव अ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल बेसिकली एक यस पेन और टेन, ये भी सेम है। सिलेबल जो है बेसिकली इसमें एक वॉल होना चाहिए हर सिलेबल में, या वॉल लाइक साउंड होनी चाहिए, या एक डेप्थ सॉन्ग यानी टू वॉल्स टुगेदर ये होने चाहिए। अब जो कॉन्सोनेंट को हम सी से लिखते हैं, वॉल को हम वी से लिखते हैं, और टिपिकली हम इसको लिखते हैं सी वी, यानी हर सिलेबल में सी वी मीन्स कॉन्सोनेंट और वॉल मौजूद है। अगली स्लाइड में मैं आपको इसको थोड़ा सा इजहार करके दिखाता हूं इसका प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं पी ए के आई एस टी ए एन, इसमें हमारे पास तीन सिलेबल है पी ए के आई एस टी ए एन। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ये है पी इज कॉन्सोनेंट और ए है जो हमारा है ये है वॉल, सो दिस इज सी ए, यानी मिनिमल मिनिमल जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ऐसे होती है कि कॉन्सोनेंट और वॉल जो है हमारे पास सी वी, ये सी ये वाला हो गया पी, ये पी जो है वो सी, और जो ए है वो वी हो गया वॉल। फिर इसमें देखें इसमें भी इसी तरह सी वी और आगे फिर सी आ गया, अगेन टी सी है ए वी है एन फिर सी है। अच्छा अब इसमें फर्दर क्या होता है? फर्दर इसमें ये होता है कि टेक्निकली कुछ बेसिक एलिमेंट्स यानी इसको जो राइम जो होता है बेसिकली, राइम बेसिकली इसमें हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट है इसमें सिलेबल का, कह लें कि हमारे पास सबसे पहले राइम होगा। राइम क्या है? इसमें ऑनसेट होता है और वन और मोर कॉन्सोनेंट, जिसमें उसके बाद हम राइम को लेके आते हैं। बेसिक एलिमेंट्स सिलेबल के क्या होते हैं? सिलेबल के बेसिक एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनसेट। ऑनसेट मींस वन और मोर सिलेबल्स कॉन्सोनेंट्स इन दैट, सॉरी सिलेबल कह रहा हूं मैं, वन और मोर कॉन्सोनेंट, वो दो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूं पी आर ए डी ई फ्रेड, तो ये दो कॉन्सोनेंट्स शुरू में आ गए। पाकिस्तान में हमारे पास पी ए के एक कॉन्सोनेंट आ गया वॉल से पहले, या अब हमने सिलेबल देखना है तो इस सिलेबल में हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, इस सिलेबल में हमारे पास दो कॉन्सोनेंट है पी और आर फ्रेड में, ठीक है। सो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास हर एक के अंदर, हर जो भी हम टेक्निकलिटी बनाते हैं इसकी, के एक सिलेबल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑनसेट, जिसमें एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, सॉरी सिलेबल में बार बार कह रहा हूं, एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारे पास
کائنڈلی اپنے مائکس آف کرنا ہے, آپ لوگ آپ کا شور بہت آ رہا ہے. ہر سلیبل کے دو مین پارٹ ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس آن سیٹ اور رائم بیسیکلی, ٹھیک ہے. آن سیٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ سلیبل ہو سکتے ہیں, ٹیکنیکلی تین چار سے زیادہ کانسوننٹس, پھر میں بار بار سلیبل کہہ رہا ہوں, کانسوننٹس ہو سکتے ہیں. ایک یعنی آن سیٹ میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ کانسوننٹس ہو سکتے ہیں, تین یا چار کانسوننٹس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے, زیادہ تر تین کانسوننٹس, منیمم ون کانسوننٹ. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک یعنی لائک نیکسٹ ہمارے پاس رائم جو نیکسٹ پارٹ ہے. اب رائم میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی رائم کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نیوکلیس. نیوکلیس ہم کہتے ہیں وال کو, کیونکہ وال نہیں ہوگا تو سلیبل نہیں بنے گا, سلیبل کے لیے وال کا ہونا ضروری ہے. اور پھر ہوتا ہے کوڈا. کوڈا کہتے ہیں اگین ون اور ٹو کانسوننٹس آفٹر دا وال. یہ ایک اس کا پورا سٹرکچر ہے. اب آپ کو شاید اس سے کلیئر سمجھ آئے گا. سلیبل کے اندر آن سیٹ جس میں ایک کانسوننٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کانسوننٹ ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سلیبل کا دوسرا پارٹ ہے رائم, جس میں ایک نیوکلیس کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک وال ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوڈا ہوتا ہے یعنی کانسوننٹس. اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر کے دکھاؤں, فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر ایک سلیبل ہے جس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں, پی اے کے آئی ایس کی اے این, یا ایک اور ورڈ لیتے ہیں سی اے کی کیٹ. اب ان کے یہ جو پھا, یہ پہلے والی ساؤنڈ جو ہے اس کے دو سلیبل ہیں, دو پارٹ ہیں, ایک سلیبل ہے دو پارٹس ہیں. یہ پہلا پارٹ جو ہے آن سیٹ ہے, اور دوسرا پارٹ ہے جس میں ہمارے پاس نیوکلیس ہے. نیوکلیس کے بعد کوڈا ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ایک پورا سلیبل بن گیا پھا. اگلا ہمارے پاس ہے جس میں ہمارے پاس آن سیٹ بھی ہے, بیچ میں نیوکلیس بھی ہے, اور ایک کانسوننٹ یعنی کوڈا بھی ہے. جو نیوکلیس سے پہلے کانسوننٹ ہوگا اس کو ہم آن سیٹ کہیں گے, جو اس کے بعد کانسوننٹ ہوگا اس کو ہم کوڈا کہیں گے. اسی طرح جو تیسرے ہمارے پاس ہے ٹین, اس میں بھی ہمارے پاس سب سے پہلے کانسوننٹ ہے جسے آن سیٹ کہیں گے, پھر وال ہے جسے نیوکلیس کہیں گے, اور پھر کانسوننٹ ہے جسے کوڈا کہیں گے. سملرلی کیٹ, کیٹ میں ہمارے پاس جو سی ہے وہ کانسوننٹ ہے آن سیٹ, اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے رائم, یعنی آن سیٹ کے بعد باقی سارا پارٹ رائم کہلاتا ہے ایک سلیبل کا. تو رائم میں ہمارے پاس اے جو ہے وال ہے, تو وہ ہمارا نیوکلیس ہے, اور ٹی جو ہے وہ کوڈا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سلیبل جو ہے وہ وال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وال از ویری امپورٹنٹ فار اینی سلیبل. اوکے, نیکسٹ وی ہیو اسیمیلیشن. سو فونالوجی میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ اسیمیلیشن. اسیمیلیشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں بیسیکلی, کہ کئی دفعہ ورڈس جو ہوتے ہیں ہمیں انہیں ان ساؤنڈس کو ہم مکس کر دیتے ہیں. مثلا کچھ ساؤنڈز ایسی ہیں جو کہ ایک آس پاس کی ریلیٹڈ ساؤنڈز کے اندر ابزارو ہو جاتی ہیں, ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں بلڈ پریشر, سو سینگ بلڈ پریشر اسٹاپس می, کیونکہ ڈی کے اوپر میری بریک لگ جاتی ہے بلڈ پریشر, اور بلڈ پریشر کہنے سے وہ جو رکنا, کریکٹڈ اسپیچ میں ہم انگلش میں رکتے نہیں ہیں, تو ہم اسے کس طرح یوز کرتے ہیں, بلڈ پریشر. So I am having blood pressure. Blood pressure. So blood pressure کیا ہے basically? Blood pressure کا ایک طرح سے changed version جس میں آپ کو رکنا نہیں پڑا. I'm having blood pressure. I'm having blood pressure. Blood pressure. Similarly, he is a good boy. D کے اوپر پھر رکنا پڑتا ہے connected speech میں. So we would say he is a good boy. وہ D کی جگہ B sound prominent ہو جاتی ہے. He is a good boy. Not good boy. She's a good girl. Not good girl. Gug. Gug. She's a good girl. He's a good boy. And I am having blood pressure.
सो दिस इज नोन एज एसिमिलेशन. एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम साउंड्स को रिमूव ही कर देते हैं. कई दफा साउंड रुकावट बनती है हमारे बोलने में, जिसका फ्रेंडशिप, तो डी के ऊपर फिर रुकना पड़ रहा है, हम उसे फ्रेंडशिप कह देंगे, हैंडकर्चीफ कह देंगे, हैंडसम कह देंगे. इस सूरत में क्या होता है कि हमें रुकना नहीं पड़ता किसी एक एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर. सो वी कॉल इट इलीजन, मींस निकाल देना, खत्म कर देना. सो दिस वॉज फॉर टुडे. टुमारो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कि वो क्या होते हैं वो इसके साथ